तो क्या चल रहा है मित्रों? तुम लोग का हाल चाल नहीं मिल रहा है यार। आई होप कि जो मेंस दे रहे हैं ना, मतलब खूब जम के पढ़ रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टाइम है, एंड अब ज़्यादा टाइम रहा नहीं, 1 महीने ऐसा मान के चलो कि है तुम्हारे पास टाइम। जैसा कि वो उन्होंने बोला है, अतुल प्रसाद सर ने, कि दिसंबर जनवरी में मेंस लेने वाले हैं, मतलब दिसंबर लास्ट में आई होप कि वो मोस्ट प्रोबेबली लेने वाले हैं। तो तब तक जो है, मतलब 15 दिन पहले तक ख़त्म हो जानी चाहिए चीज़ें, सो दैट यू कैन रिवाइज इन द लास्ट 15 डेज, राइट? क्योंकि रिवाइज भी तो करना है, तो इसीलिए पढ़ाई बहुत ही, मतलब युद्ध स्तर पे अभी चलना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करेंगे, वो है कि 68th में जो क्वेश्चंस आए हैं मेंस के, GS2 के, तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको थोड़ा सा समझेंगे कि इसका कैसे हम आंसर लिख सकते हैं, कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। क्योंकि जो मेंस लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा आ रहा है एक क्वेरी की, मतलब उनको दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है कि कैसे आंसर को फ्रेम करें हम, ठीक है? कि उनके पास कंटेंट है, फिर भी दे आर लैकिंग सम हाउ इन फ्रेमिंग दी आंसर, राइट? कि वो कंटेंट को किस तरीके से प्रेजेंट करें। तो इसलिए थोड़ा सा ये आपको वीडियो, और अगर आप लोग को पसंद आएगा, अगर आप लोग का फीडबैक अच्छा आएगा, कमेंट वमेंट खूब भर भर के करोगे, सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि यार देखो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए बनाने के लिए। तो और कमेंट भर भर के करोगे यार, मज़ा आ गया एकदम, पता नहीं क्या ही हो गया ये तो, मतलब। तो फिर आगे में भी लेके आएंगे, 68 के सारे हम लोग ख़त्म कर देंगे जो क्वेश्चंस है, और अगर अच्छा लगेगा तो 68th के पीछे 67th का भी लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, तो उसको थोड़ा सा समझेंगे कि इसको किस तरीके से आंसर करना है, एंड इसमें क्या करेंगे कि जो पहला क्वेश्चन, जो अभी आप लोगों को पता है कि GS2 में 3 सेक्शन है ना, एक आपको है, एक सेकेंड, एक आपको है कौन सा सेक्शन दोस्त, ऊपर में जब जाते हो तो एक आपको पॉलिटी का सेक्शन आता है, दूसरा आपको उसके बाद में सेक्शन है वो इकोनॉमी का है, और तीसरा कौन सा सेक्शन है दोस्त, तीसरा है आपको साइंस एंड टेक। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो पॉलिटी के सेक्शन से करेंगे, और पॉलिटी में भी जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें कि 5 छोटे छोटे क्वेश्चन से लोग पूछते हैं, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 में जैसे ये 5 क्वेश्चंस आपके जो हैं, तो इसको हम लोग आज देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एनालाइज क्रिटिकली दी डायनेमिक सेकुलरिज्म इन इंडिया, मतलब सेकुलरिज्म से क्वेश्चन है, डायनेमिक सेकुलरिज्म, इसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, रीजनल पोलिटिकल पार्टीज प्ले इट्स रोल इन इंडिया। अब यार देखो, BPSC वाला ग्रामेटिकल मिस्टेक भी करता है क्वेश्चन फ्रेम करने में। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे पार्टीज है, प्लूरल है, तो यहाँ पे इट्स नहीं होगा, देयर होगा। इट्स हम सिंगुलर के लिए लगाते हैं, देयर इज फॉर प्लूरल, तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज प्ले देयर रोल इन इंडिया, ये होना चाहिए था क्वेश्चन, बट इट्स दिया हुआ है इन्होंने, मैंने चेक किया फिर ऑफिशियल साइट से, यही है, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। तो अब ये पोलिटिकल पार्टीज पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि रीजनल पोलिटिकल पार्टीज क्या रोल प्ले करते हैं, इसको हमें बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, द पॉजिटिव डायरेक्शंस, द पॉजिटिव डायरेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एज अ चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। वो एक सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमें अपने देश में अगर लेके आना है तो उसके लिए एक चार्टर है। अभी पॉजिटिव डायरेक्शंस कौन से हैं, ये पहले तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत हो गया समझने में कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। ये DPSP से रिलेटेड है, डायरेक्शंस, डायरेक्टिव्स, थोड़ा उसे पकड़ लेना चाहिए था आपको, राइट? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो ये DPSP बोल रहा है कि कैसे DPSP एक चार्टर है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, उसको हमें एग्जाम्पल्स के थ्रू में बताना है। ये तीसरा है। चौथा इसी में पार्ट क्या है, चौथा जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का ज्यूरिसडिक्शन है उसको हमें एक्सप्लेन करना है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और लास्ट है कि बिहार हैज़ विटनेस्ड इम्प्रूवमेंट इन इट्स पॉलिटिकल कल्चर इन द लास्ट डेकेड्स। पिछले कुछ दशकों में बिहार ने अपने पॉलिटिकल कल्चर में एक इम्प्रूवमेंट देखी है, या सही है, अगर सही है तो एग्जाम्पल दो, अगर नहीं लगता है तो उसमें भी लाइक यू नो दोनों साइड से लिखना है इसका। तो ये 5 क्वेश्चन है, आपको पता है कि 8 तिरकी 24, 7 दूना 14, ये 38 मार्क्स का होता है। इसमें 3 क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के होंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा आई थिंक 8 मार्क्स के होंगे, एंड चौथा और पांचवा 7 मार्क्स के होंगे। इन सब के लिए आपको 2 पेजेस मिलती हैं, और 2 पेजेस में
इन लोगों को आपको कवर करना है। 2 पेज का मतलब मान के चलो यार कि 150-200 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है, 150 to 200 वर्ड्स, ठीक। और अगर 2 पेज है ना, तो जनरली आपको ये रखना चाहिए कि दो आप हेडिंग बनाओगे, एक इंट्रोडक्शन लिखोगे और एक कंक्लूजन लिखोगे, बस। इंट्रो, दो हेडिंग, मतलब दो बॉडी पार्ट्स होंगे, एंड एक आपको कंक्लूजन लिखोगे। दो बॉडी पार्ट्स में जो है चार चार पॉइंट होगा, तो टोटल मिला के 8 पॉइंट यहाँ पे आपके हो गए। एक बॉडी पार्ट में 4 पॉइंट, दूसरे बॉडी पार्ट में 4 पॉइंट, 8 पॉइंट, एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन। दिस इज गुड इनफ फ्रेमवर्क फॉर आंसरिंग 8 मार्कर और 7 मार्कर, ठीक है। तो अब लोग हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन, जो हमने देखा कि हमें डायनेमिक सेकुलरिज्म जो है ये, इसको हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है। नाउ सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन है, तो हमें कोई भी, जब देखो कोई भी जब हम आंसर करेंगे तो हमारा एक आंसर फ्रेमवर्क होना चाहिए कि कैसे हम उसको आंसर करने वाले हैं। और वो आंसर फ्रेमवर्क हम बनाएंगे कि कीवर्ड क्या है उस क्वेश्चन का, और उस कीवर्ड के अराउंड में फिर हम लोग जो है, और वो पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से हमारा बॉडी बनेगा, और कीवर्ड के हिसाब से हमारा कुछ इंट्रोडक्शन बनेगा, तो इस तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग आंसर फ्रेमवर्क बनाए तो पहले हमारा इंट्रोडक्शन आएगा, फिर इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे ये पहले देखते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, अब चूंकि इंट्रोडक्शन शुड बी अबाउट द कीवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, डायनेमिक सेकुलरिज्म के बारे में पूछा है, सेकुलरिज्म इज द कीवर्ड, तो हमें इंट्रोडक्शन कुछ सेकुलरिज्म के बारे में लिखना पड़ेगा, ये बात मानोगे, है ना, कि यहाँ से हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे इस आंसर को। दूसरा हमारा क्या बनेगा, जो बॉडी पार्ट है, हमने आपको बोला कि दो बॉडी पार्ट बनाना है आपको, तो जो बॉडी पार्ट इसका बनेगा वो डायनेमिक सेकुलरिज्म जो है, ये बोल रहा है डायनेमिक सेकुलरिज्म, बस सेकुलरिज्म नहीं बोल रहा है, तो हमें ये डायनेमिक पार्ट को भी बताना पड़ेगा कि कैसे डायनेमिक है हमारा ये सेकुलरिज्म। स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, मतलब इट चेंजेज विथ टाइम, इट हैज सम फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज नॉट सेट इन स्टोन, हमारा जो सेकुलरिज्म है, तो कैसे है, थोड़ा हमें उसके एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज एक हमारा बॉडी पार्ट बनेगा, दूसरा हमारा मेरिट्स बनेगा, ठीक है, कि इंडियन सेकुलरिज्म अब क्रिटिकली एनालाइज करने को बोल रहा है। अब देखो ये सब ना, इसमें आप फंसा मत करो, एनालाइज क्रिटिकली या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डिस्कस भी बोलता है ना, डिस्कस द डायनेमिक सेकुलरिज्म इन इंडिया, तो भी हम मेरिट्स बताते हैं उसको, ठीक है। जहां पे इस टाइप के मतलब ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाओ कि क्रिटिकली है तो क्या होगा, एनालाइज है तो क्या होगा, डिस्कस है तो क्या होगा, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो उसके बाद हम बताएंगे कि हमारा जो सेकुलरिज्म है उसके मेरिट्स क्या हैं, राइट, और उसके बाद हम चैलेंजेस भी बताएंगे, चैलेंजेस हमारे कुछ इंडियन सेकुलरिज्म के क्या हैं वो हम बताएंगे। अब देखो यहाँ पे हमने चैलेंजेस लिखा है, हमने क्रिटिसिज्म नहीं लिखा है। क्रिटिसिज्म अगर हम लिखेंगे ना, जैसे मान लो कि एक जो हम हेडिंग बनाए अगर, तो हम लिखे क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, तो पता है तुम्हें वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा कि इंडियन सेकुलरिज्म को क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब हमारा जो सेकुलरिज्म मॉडल है ना वो बहुत ही अच्छा मॉडल है, मतलब उसमें बहुत ही कम चीजें, आप उसको बेटर कर सकते हो, ऑफ कोर्स यू कैन मेक इट बेटर, बट यू कैन नॉट से दैट सेकुलरिज्म इज अ बैड आइडिया, इट इट कैन नेवर बी अ बैड आइडिया इन अ कंट्री विच हैज सो मेनी रिलीजन्स। एक देश में जहां पे अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, वहां पे सेकुलरिज्म तो बहुत नेसेसिटी है दोस्त, उसको आप बेटर कर सकते हो, बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि सेकुलरिज्म की तो जरूरत ही नहीं है। इसलिए क्रिटिसिज्म वर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए आपको लिखना चाहिए चैलेंजेज, कि इसके कुछ चैलेंजेज है जो हमें सही करना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन, अब आप बोलोगे कि यार अभी तो आपने बोला कि बॉडी पार्ट में दो हेडिंग बनाना है, इसमें तो आपने 3 बना दिया, वो इसलिए बना दिया दोस्त क्योंकि ये डायनेमिक सेकुलरिज्म बोला ना, तो डायनेमिक एलिमेंट्स ऑफ सेकुलरिज्म एक हम ऐसा बनाएंगे, हब एंड स्पोक मॉडल बना देंगे, ये सारे डायनेमिक एलिमेंट्स है, ये थोड़ा दिखाना जरूरी पड़ जाएगा, क्योंकि नहीं भी दिखाओगे तो काम चल जाएगा, सेकुलरिज्म का इंट्रोडक्शन देके और ये दो पार्ट अगर आप रखोगे तो भी काम चल जाएगा। मेरिट और चैलेंजेस ये तो बताना ही पड़ेगा, आप मेरिट बता के और बस निकल जाओगे तो आधा अधूरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरिट बता के उसके कुछ प्रॉब्लम भी तो बताओगे, एंड कंक्लूजन में थोड़ा सा वे फॉरवर्ड टाइप ऐसे लिख देना है, तो ये करना है। चलो हम लोग इसको आंसर लिखते हैं, इंट्रोडक्शन हमें लिखना है, तो अगर हमें मान लो कि इंट्रोडक्शन लिखना है, तो सेकुलरिज्म की जब हम बात करते हैं तो हमेशा हमें कुछ ना, जब भी इंट्रोडक्शन लिखो तो आप, हमने आपको बताया है कि अगर आपके पास कोट है तो कोट से लिखो, हमने आपको कोट क्या दिया है कि सेकुलरिज्म इज द एथिक्स एंड एस्थेटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, वहां से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि सेकुलरिज्म इज द
एथिक्स एंड एस्थेटिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये किसने बोला है? नीरा चंदोक ने, राइट? कि ये हमारा इंडियन डेमो, अब देखो ये फिर से मैं नहीं समझाऊंगा अभी, क्योंकि दक्ष बैच में मैंने सारी चीजें समझा दिया है ना, जिन लोगों को मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये तो नई चीजें हैं, मतलब यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर दक्ष बैच। एंड मैं क्या बोलूँ, मतलब अगर आपको कंटेंट की कमी है, क्योंकि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, तो यू आर अ बिट बिहाइंड द कॉम्पिटिशन, जो खास करके दक्ष में जो लोग हैं, बिकॉज दे नो ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं दक्ष बैच में चिल्ला चिल्ला के एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। तो ये हम कोट से ऐसे स्टार्ट करेंगे कि एथिक्स एंड एस्थेटिक्स है हमारा ये, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि सेकुलरिज्म को अब हम थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे। अब सेकुलरिज्म का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, अब कभी ऐसा तो पढ़े नहीं है कि हाँ सेकुलरिज्म को कैसे डिफाइन करना चाहिए, बट एक अंडरस्टैंडिंग है हमको, राइट? वो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सेकुलरिज्म क्या हमें डिनोट करता है। सेकुलरिज्म हमें डिनोट करता है कि रिलीजन और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, इसी को तो डिनोट करता है सेकुलरिज्म दोस्त। और क्या करता है सेकुलरिज्म डिनोट, यही करता है कि रिलीजन और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, दैट इज वॉट सेकुलरिज्म इज। तो हम बस अपना कॉमन अंडरस्टैंडिंग में लिख सकते हैं कि सेकुलरिज्म डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, राइट? अब ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हमने पहले सेकुलरिज्म को बोल दिया, बट अब थोड़ा इंडियन सेकुलरिज्म को भी लेके आना है, क्योंकि द क्वेश्चन इज अबाउट द डायनेमिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, डायनेमिक सेकुलरिज्म इन इंडिया। इंडियन सेकुलरिज्म को लेके आना पड़ेगा थोड़ा। अब इंडियन सेकुलरिज्म को देखो, 8 नंबर का क्वेश्चन है, वी कैन नॉट राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ मोर देन 2 सेंटेंसेस। ये भी है भाई, इंट्रोडक्शन में ही हम आधा पेज थोड़े भर देंगे, 8 नंबर का ही क्वेश्चन है, 2 पेज ही हमको मिले हुए हैं, ये 36 नंबर का क्वेश्चन थोड़े है कि आधा पेज तक हम इंट्रोडक्शन ही लेके जा रहे हैं। तो थोड़ा सा बस इंडियन सेकुलरिज्म वाला मॉडल को लेके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वधर्म संभव उसके बाद में आप लिख सकते हो प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस इसको एंड कर दो यहां पे। अब देखो मैंने यहां पे क्या किया सेकेंड लाइन में कि इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में थोड़ा बता दिया, कि हमने बोला कि हमारा जो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है दैट इज बेस्ड ऑन सर्वधर्म संभाव, दैट इज रिलीजियस हार्मनी, सारे धर्म मतलब दे आर लाइक यू नो एक समभाव, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ एटीट्यूड सारे धर्मों के लिए रहना चाहिए स्टेट का, दैट इज देयर, एंड प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस नहीं, ये सब हम समझा चुके हैं, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस होना चाहिए, राजीव भार्गव ने ये दिया हुआ, इसको अंडरलाइन कर दो, ये कर दो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट, और यहाँ पे सर्वधर्म संभाव एंड प्रिंसिपल डिस्टेंस, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बोलेंगे कि डायनेमिक एलिमेंट्स क्या है, राइट? तो आप बस यहां पे बनाओगे डायनेमिक एलिमेंट्स, देखो यहां पे फिर से हेडिंग नहीं लगाओगे, जब यहां पे लिख ही रहे हो डायनेमिक एलिमेंट्स तो ऊपर में हेडिंग नहीं लगाओगे, मैंने इसीलिए बता दिया, क्योंकि हम लोग जो है ना एक थोड़ा सा डिमार्केट हम लोग करके रखे, बट जब यहां पे आप हब एंड स्पोक टाइप का या कुछ ऐसा बना रहे हो ना, तो यू डोंट हैव टू राइट डायनेमिक एलिमेंट्स, फिर से यहां पे लिख रहे हो तो ऊपर में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायनेमिक एलिमेंट्स में क्या है दोस्त, डायनेमिक एलिमेंट्स में क्या है आपके, कि ये इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, हमारा सेकुलरिज्म जो है वो इवॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सेकुलरिज्म कुछ डिफाइन कर दिया गया है संविधान जब बन रहा था उसी टाइम में और वही है। यार हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 में आई, उससे हमने सेकुलरिज्म डाला प्रियम्बल में,
उसके पहले सेकुलर वर्ड नहीं था हमारे संविधान में, ऑल्दो हमारा संविधान सेकुलर है, क्योंकि उसके फीचर्स ऐसे हैं जो कि सेकुलर फीचर्स हैं, जैसे आर्टिकल 25 to 28 जो है, जहाँ पे सारे धर्मों को, लोगों को एक आज़ादी मिलती है टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, जहाँ पे आर्टिकल 27 में ये बोला जाता है कि जो टैक्स की मनी है वो स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में नहीं यूटिलाइज कर सकती है, तो ये सारे सेकुलर एलिमेंट्स ही हैं। स्टेट को ये डिस्क्रिमिनेशन करने की बिल्कुल पाबंदी है कि आप रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, आर्टिकल 15, राइट। आर्टिकल 16 में रिलीजन के बेसिस पे आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। तो दीज आर ऑल दी सेकुलर एलिमेंट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा है। 1994 में आपको जो SR बोमई केस हुआ था उसमें सेकुलरिज्म को बेसिक फीचर डाला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इवॉल्व हो रहा है कॉन्सेप्ट, राइट। अभी आप बोलो यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहां पे अब फिर से हमारा सेकुलरिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हो रहा है। हम अलग अलग, जैसे ट्रिपल तलाक जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उससे हमारा सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ कि हम किस तरीके से अपने सेकुलर मॉडल को देखते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में इस पर डिबेट चलते रहता है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि हाँ ये डिबेट खत्म ये हो गया, एक सेकेंड ना, ऐसा तो है नहीं कि हाँ एक बार में हमने लिख दिया बस अब वही चल रहा है, ऐसा तो है नहीं, डिबेट चल रहा है। तो लॉट्स ऑफ डिबेट अभी भी, लोग जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये स्यूडो सेकुलरिज्म है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं कि यार बहुत इसमें प्रॉब्लम्स हैं, तो डिबेट चलते रहता है। जो भी हम जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो हमारा सेकुलरिज्म का भी कॉन्सेप्ट आता ही है कि हम किस तरीके का सेकुलरिज्म इस देश में लाना चाहते हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सिविल कोड है दोस्त, वो सारे रिलीजन के लिए यूनिफॉर्म होगा, मोटा मोटी अगर बोले तो, राइट। अभी क्या है कि पर्सनल रिलीजन, पर्सनल जो है ना वो सिविल कोड्स हैं अलग अलग रिलीजन के, राइट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है DPSP की, आप सारे रिलीजन के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, मैरिज के मामले में, डिवोर्स के मामले में, इनहेरिटेंस के मामले में, ये सब, राइट। तो ये अभी डिबेट लेकिन चल रही है, क्योंकि ये सेकुलरिज्म की भी डिबेट है कि हम रिलीजन को कितना छूट दें, राइट। तो इसीलिए डिबेट अभी चल रही है, इसीलिए डायनेमिक है। आपको ये देखो कि दिस इज फ्लेक्सिबल ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि स्टेट को ऐसा ऐसा कुछ डूज एंड डोंट्स दिया गया है कि भाई आप ये चीज़ें कर सकते हो, ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे स्टेट के, हमारे सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है। वो केस टू केस बेसिस वो सोचती है कि हाँ इसमें क्या करना चाहिए, टाइम सही है कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए क्योंकि वो संविधान बोलता है, आर्टिकल 44 में बोलता है, बट टाइम में भी सही नहीं हुआ अभी, मे बी थोड़ा टाइम बाद लेके आना चाहिए, जब सोसाइटी और ज़्यादा मैच्योर हो जाए, जब हम थोड़ा सा रिलीजन के मामले पे उतना ज़्यादा पोलराइजेशन नहीं हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फ्लेक्सिबल है हमारा सेकुलरिज्म, ऐसा नहीं बोलता है कि एक टाइम सेट कर दिया, डेडलाइन सेट कर दिया, या फिर डूज एंड डोंट्स दे दिया, फिर उसी के बेसिस पे सरकार को काम करना, सरकार को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मनूवर कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है। इन्फ्लुएंस्ड बाई सोशल मिल्यू, जो सोसाइटी में चीज़ें चल रही है उसके, उससे ये इन्फ्लुएंस्ड रहता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आवर सेकुलरिज्म इज डायनेमिक सोशल मिल्यू, राइट। जो हमारा सोसाइटी में एक उस समय की जो चीज़ें चल रही होती है सोसाइटी में, उस हिसाब से सेकुलरिज्म हमारा इवॉल्व होता है, राइट। तो ये सारे कुछ डायनेमिक एलिमेंट्स है। आगे अगर बढ़े तो मेरिट्स की हम बात करते हैं, मेरिट्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म क्या है। अगर मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला तो मेरिट ये हो गया कि ये हमारे इंडियन कल्चर को अपहोल्ड करता है। हमारे अगर देश की बात करो ना दोस्त, हमारे कल्चर की अगर बात करो तो अशोक से लेके अकबर तक सब कोई ने एक धर्म के प्रति डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात की थी कि धर्म के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करो। तो हमारा एक जो कल्चर है ना रिलीजियस हारमोनी का, एक रिलीजियस हारमोनी का, इसको ये अपहोल्ड करता है जो हमारा सेकुलरिज्म है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए कोई नया कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि संविधान ने हमें सेकुलरिज्म का कंसेप्ट दिया, उसके पहले हमें पता ही नहीं था। अरे इस देश में सदियों से बहुत सारे धर्म के अलग अलग लोग जो है बहुत ही एक आपस में एकजुटता से रहते थे, हारमनी में रहते थे, ये तो हमारे संस्कृति का ये पार्ट है, क्या बात कर दी है, राइट। इट इज नॉट समथिंग दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज समथिंग दैट इज सीप्ड इन आवर, दैट हैज सीप्ड इन आवर ब्लड, दैट इज पार्ट ऑफ दिस लैंड, दैट इज पार्ट ऑफ दिस कल्चर,
ऐसा नहीं है कि आज हम पहली बार सुन रहे हैं सेकुलरिज्म के बारे में, नाम भले ही सेकुलरिज्म पड़ गया बट जो चीज़ है, जो मेन उसका मुद्दा है, वो तो बहुत पहले से है। अशोक के टाइम में ही वॉज स्टॉन्च बुद्धिस्ट। अशोक जो था, ग्रेट अशोक, क्या थे वो? स्टॉन्च बुद्धिस्ट थे, राइट? बाद में बुद्धिस्ट बन गए थे, कलिंगा वार के बाद में बहुत ज़्यादा वायलेंस किए, बुद्धिस्ट बन गए, लेकिन फिर भी वो किसी और रिलीजन के प्रति वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किए। इनफैक्ट आप बराबर नागार्जुनी हिल्स की जो बात करते हो, आजीविका सेक्ट के लिए वो बनाए थे, राइट? बराबर नागार्जुनी हिल्स, और उनके बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स में ये वो बात करते हैं कि रिलीजन के बेसिस पे किसी को ऊपर किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहिए। अकबर आप देखो, अकबर मुस्लिम, मुगल किंग, मुस्लिम किंग, लेकिन वो भी जब एकदम इबादत खाना में अलग अलग लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को बुलाते थे अपने इबादत खाना में, और वहां पे डिस्कशन डिबेट होता था, अरे वो तो इतने मतलब इनलाइटेंड रूलर थे कि उन्होंने दीन इलाही अपना एक रिलीजन ही स्टार्ट कर दिया, जो कि सारे धर्मों से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वालिटीज ट्रेट्स को लेके, और फिर उन्होंने अपना एक धर्म शुरू किया, दीन इलाही। तो ये हमारा कल्चर का पार्ट है, और ये अपहोल्ड कर रहा है बस वो कल्चर। दैट इज द मेरिट ऑफ आवर सेकुलरिज्म, कि एक कॉन्टिन्यूटी है हमारे कल्चर में, राइट? दूसरा अगर आप देखो कि ये डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है, हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, राइट? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, तो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और अलग अलग धर्म के जब लोग हैं तो सेक्युलरिज्म इज नॉट अ चॉइस, देन सेक्युलरिज्म बिकम्स अ नेसेसिटी, क्योंकि इतने अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, तो आप अगर सेकुलर नहीं हो तो आप मतलब डिस्क्रिमिनेट करोगे, इसका मतलब किसी धर्म के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करोगे, किसी धर्म को ज्यादा प्रमोट करोगे, जैसा पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान और इंडिया देखो यार, सदियों से पाकिस्तान और इंडिया सेम थे, कल्चर हम लोग का वही था, सब कोई का सेम ही था यार, क्योंकि वो भी इंडिया का ही मतलब अखंड भारत जो बोलते हैं, मतलब पार्ट ही था ना वो तो, मतलब 1947 के पहले वो अशोक के जमाने से जो चली आ रही है हमारी, उसका उसमें गुप्ता अंपायर, ये सब जितने भी अंपायर अंपायर हुए, मुगल अंपायर, ये सब में तो वो हम लोग सब साथ ही साथ थे, कल्चर तो सिमिलर ही है, लेकिन आप किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में, किस तरीके से आप संविधान में चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हो, उससे फर्क पड़ता है। उनका डाइवर्सिटी को एकोमोडेट नहीं कर पाया, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होने लगा माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में, हिंदूज के अगेंस्ट में, बाकी सब जो अहमदियाज जो मुस्लिम में ही एक सेक्ट है उनके अगेंस्ट में वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। हमारे में क्या है, डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है, एंड दैट इज गुड, क्योंकि बिना सेकुलरिज्म के आप इतना मल्टी रिलीजियस कंट्री को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हो। और हमें अगर देखोगे तो हम कितना पीसफुल, लाइक रिलेटिवली देखो तो यहाँ पे बहुत ही कम मतलब झगड़े झंझट होते हैं। आप यूरोप वोरोप में देख लो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकाट मचा हुआ है, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि फ्रांस को इंडिया से सीखना चाहिए कि कैसे डाइवर्सिटी को मैनेज करते हैं, कैसे रिलीजन को मैनेज करते हैं, तो दैट इज़ देयर। हमें जो है ना, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का पार्ट ये हमें पढ़ाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और प्रमोट करता है ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को। इतने डाइवर्स हम रिलीजन के बेसिस में, बट फिर भी वी आर यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड एज इंडियंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा अगर आप देखोगे, तीसरा देखोगे तो हमारा सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करता है। देखो पाकिस्तान आज मुंह दिखाने लायक नहीं है, लेकिन हम लोग का जो है हर जगह अच्छा एक मतलब सॉफ्ट पावर है, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारा सेकुलरिज्म है, जहाँ पे लोगों के बीच में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, राइट? हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, ये तो हमारा अभी G20 का थीम था, वसुधैव कुटुंबकम, राइट? तो इस तरीके, चौथा अगर आप कुछ लिखना चाहो तो आप बोल सकते हो कि हमारा जो सेकुलरिज्म है दोस्त, वो प्रोटेक्शन देता है माइनॉरिटीज को। देखो डेमोक्रेसी की अगर आप बात करो ना, तो डेमोक्रेसी इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अबाउट नंबर्स। डेमोक्रेसी का देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेसी कैसी, राइट? और इलेक्शंस का मतलब क्या हुआ, नंबर्स, बहुमत जो हम लोग सुनते हैं हमेशा, नंबर्स जिसकी ज्यादा है उसका ज्यादा चलेगा डेमोक्रेसी में जनरली, क्योंकि वो, और खास करके वो जो जिनका ज्यादा नंबर्स है उस वो ग्रुप अगर एक साथ वोट कर रहे हैं तो अपना सरकार बना लेंगे। तो उस केस में क्या होता है फिर कि माइनॉरिटी को थोड़ा सा एक सेफगार्ड देने की जरूरत होती है कि भाई नंबर्स की गेम है, हो सकता है कि ये लोग पूरा जो मेजोरिटी वाले एकजुट होकर एन मास एक किसी पार्टी को वोट दे दें, उस केस में तो माइनॉरिटी की कभी सरकार ही नहीं बनेगी, है ना? तो इसलिए प्रोटेक्शन दिया जाता है कि ऐसा नहीं हो कि
उनको सताया जाने लगे, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होने लगे, ऐसा नहीं। इसलिए उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। दिस स्पेशल प्रोटेक्शन आर नॉट टू प्रिविलेज देम, वो एक तरीके से प्रिविलेज नहीं है माइनॉरिटीज का, उनको इक्वल डिग्निटी इक्वल रिस्पेक्ट के लिए है। क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि मेजोरिटेरियनिज्म हो सकती है, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी हो सकती है, बहुल सरकार जो है वो कुछ भी कर रही है, तो इसीलिए प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज दिया गया है, और वो आर्टिकल 29.30 में आपको पता है, राइट? कि अगर आपका डिस्टिंक्ट रिलीजन है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर है, तो उसको आप प्रिजर्व कर सकते हो। उसके बाद माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अपना खोलने की ये सब पावर है। पांचवा अगर आप बात करोगे तो हमारा जो सेकुलरिज्म है ना, ये राइट्स जो है, सेकुलरिज्म जो ये है, ये राइट्स इंडिविजुअल को भी देता है। हम आर्टिकल 24 में क्या बोलते हैं, आर्टिकल 24 में बोलते हैं, 25 में बोलते हैं कि एवरीबॉडी हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपेगेट हिज और हर रिलीजन, राइट? इंडिविजुअल को भी राइट देता है एंड कम्युनिटी को भी राइट देता है, रिलीजियस डिनोमिनेशन को भी राइट देता है। ये कम्युनिटी को भी राइट देता है कि मतलब जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो भी अपना प्रॉपर्टीज कुछ मेंटेन कर सकते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट ये सब मेंटेन कर सकते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। तो इंडिविजुअल को भी राइट देता है एंड कम्युनिटी को भी राइट देता है, कलेक्टिव लेवल पे भी राइट्स देता है आर्टिकल 26 में, आप देखना। तो हमारा जो ये मेरिट है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी है एंड कम्युनिटी लेवल पे, तो ये कुछ मेरिट्स हो गया। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो यार चैलेंजेस तो है हमारे सेकुलरिज्म की, इसमें तो कोई यही नहीं है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला तो ये कि ये थ्रेटन करता है रिलीजियस फ्रीडम को, इट थ्रेटन्स रिलीजियस फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से यहां पे हम बात करेंगे अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल ले लो कि एक होता है डॉक्ट्रीन ऑफ इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये हम बताते हैं। जैसे देखो हमारा जो आर्टिकल 25 में ये सब में जो राइट्स दिए गए हैं हमें रिलीजन के लिए, तो वो सब के कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर मान लो हम धर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं चाहे ऐसा कर रहे हैं, तो यार किसी और का राइट्स को, जो बेसिक हमारे राइट्स है वो तो वायलेट नहीं होने चाहिए, राइट? अब मान लो कि कोई बोलने लगे कि यार जो अनटचेबिलिटी है वो तो धर्म का पार्ट है, या कुछ ये बोलने लगे कि कुछ मतलब पब्लिक हेल्थ इश्यू ही हो जाए कि भाई फास्टिंग कि हम लोग का ये धर्म का पार्ट है कि हम 5 महीना जो है फास्टिंग करेंगे, हाँ मतलब चौथे साल में जैसे ही बच्चा या बच्ची गई तो हम फास्टिंग 4 महीना करेंगे, हमारा तो भाई सब मर जाएगा यार, ये कैसा है मतलब। तो इसीलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हमारे सरकार को यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि हमारा स्ट्रिक्ट सेपरेशन है बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, रिलीजन और स्टेट के बीच में स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। सरकार को ये पावर दी गई है कि कहीं कहीं पे जब रिलीजन, जब रिलीजियस जो प्रैक्टिसेज हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो जाए, बहुत ज़्यादा अनजस्ट हो जाए, तो आप उसमें इंटरवीन कर सकते हो और उसको रिफॉर्म कर सकते हो। तो सरकार को एक सोशल रिफॉर्मर टाइप का भी एक एजेंट बनाया गया है धर्म के मामले में। जैसे आप अगर आर्टिकल 25 देखोगे ना, जो आपको देता है राइट टू रिलीजन, वही बोलता है कि भाई ये सारे राइट जो है ना आपके कंडीशनल हैं, किससे? पब्लिक हेल्थ से, कि आप धर्म की प्रैक्टिस करने में हेल्थ और स्वास्थ्य वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कुछ भी ऐसा अलर अलर बलर बोल दिए कि यार ऐसे करो ऐसे करो, जिससे लोगों का स्वास्थ्य पे ही असर पड़ जाए। मोरालिटी, भाई अब नंग धड़ंग थोड़े घूम सकते हो, आप धर्म का एक अपना कोड लेके आ गए कि हम तो नंगे चलेंगे, अरे यार मतलब मोरालिटी की भी ख्याल रखो, पब्लिक हेल्थ मोरालिटी, या फिर किसी और फंडामेंटल राइट का कोई और अगर उल्लंघन हो जाता है तो उस केस में भी सरकार आके इंटरवीन कर सकती है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आप ठीक है इंटरवीन करोगे, लेकिन किस किस चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो? तो उसने उसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो यार कोई भी रिलीजन जो होता है ना, उसका एक इसेंशियल पार्ट होता है जो कि मतलब अगर उसको चेंज कर दूँ तो धर्म चेंज हो जाएगा, कुछ मतलब बहुत ही उसका आइडेंटिटी कार्ड टाइप होता है उस रिलीजन का, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड कुछ नॉन इसेंशियल पार्ट होता है, कुछ नॉन इसेंशियल पार्ट होता है, कुछ इसेंशियल पार्ट होता है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसेंशियल पार्ट को हम नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, लेकिन नॉन इसेंशियल पार्ट को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि धर्म जो है आपका खतरे में नहीं आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है धर्म आपका, क्योंकि वो नॉन इसेंशियल टू योर रिलीजन है। जो इसेंशियल पार्ट है वो हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे उसके साथ है। तो क्वेश्चन ये उठा कि भाई इसेंशियल क्या है धर्म के लिए, वो कैसे पता चलेगा हमें?
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो हम बताएंगे, और ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने सिरूर मठ केस, सिरूर मठ केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है वो हम बताएंगे, एंड उसको हम नहीं छेड़छाड़ करेंगे, बाकी चीज़ों को हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास इतना ये है क्या एक्सपर्टीज कि धर्म के मामले में, वो मतलब ज्ञानी इतना धर्म का थोड़े है यार, वो लॉ का ज्ञानी है, धर्म का ज्ञानी नहीं है वो उतना। तो उसको कैसे पता कि हाँ क्या इसेंशियल है हमारे धर्म के लिए, क्या इसेंशियल नहीं है? तो ये कुछ बातें चलती हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये एक्चुअली जो हमारे देश में जैसे सेकुलरिज्म प्रमोट हुई, तो उससे रिलीजियस फ्रीडम थोड़ा सा थ्रेटन होता है। दूसरा, माइनॉरिटी अपीजमेंट का भी एक बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि जिस तरीके से हमारा जो सेकुलरिज्म अभी इम्प्लीमेंट हुआ और जिस तरीके से इसको प्रैक्टिस की गई सरकारों के द्वारा, पोलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, तो माइनॉरिटी अपीजमेंट होने लगा। वो स्यूडो सेकुलर, एक जो भाजपा के खास करके जो लोग हैं वो बोले कि ये सेकुलरिज्म नहीं, ये स्यूडो सेकुलरिज्म है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से एक चैलेंज है। अब देखो ये सब का ना आपको वहाँ पे अब इसका आप काउंटर कर सकते हैं कि भाई वो माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं है, वो तो लाइक प्रोटेक्शन, इक्वल राइट, इक्वल डिग्निटी की बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज अबाउट नंबर्स, तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सो दैट दे डोंट फील थ्रेटेंड, एंड सो दैट ये मेजोरिटेरियनिज्म का कुछ ऐसा चीज़ उनको ज़्यादा ऑप्रेस ना करने लगे। तो ये सब चीज़ें हैं, बट अगेन स्यूडो सेकुलरिज्म ये आप सीधे लिख के चैलेंजेस में निकल सकते हो, क्योंकि या ये तो है ही कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ यार मतलब जिस तरीके से सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस किया गया वो माइनॉरिटी अपीजमेंट टाइप का है। ठीक है, तीसरा कि ये इंटरवेंशनिस्ट है हमारा जो सेकुलरिज्म का मॉडल है। मैंने आपको क्या बताया कि स्टेट को इसमें सोशल रिफॉर्मर टाइप का हमने इमेजिन किया कि स्टेट जो है ना वो कास्ट सिस्टम को सही करे, स्टेट जो है अलग अलग जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेज है वीमेन के अगेंस्ट में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको सही करे, वो सारी चीज़ें। तो इंटरवेंशनिस्ट टाइप का स्टेट है, और फिर वहाँ पे दिक्कत आने लगती है कि भाई कहाँ पे आप जो है जाके रुकोगे, राइट? तो ये भी है इंटरवेंशनिस्ट स्टेट, ऐसे लिख दो। उसके बाद अगर मान लो तो सेकुलरिज्म हमारा चैलेंजेस क्या है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स अभी बहुत ज़्यादा होती है, आप रिलीजन के नाम पे बहुत ज़्यादा जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, यूनाइट करने की बात होती है रिलीजन को, चाहे एन मास वोट करने की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं। तो ये आपके चार चैलेंजेस हो गए, चार मेरिट्स हो गए। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आप ये लिख दो कि सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ दिस कंट्री, है ना? ये तो हमारा बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये एसआर बोमई में बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे एसआर बोमई, ऐसे लिख दो। एंड फिर ये लिख सकते हो कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट इज इनहेरेंट इन द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, कि इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट इज इनहेरेंट इन दी वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। कि जो हम एक इंडिया की जो आइडिया है ना कि भाई क्या है इंडिया की जो आइडिया है, उसमें सेकुलर स्टेट, इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट इनहेरेंट है। मतलब अगर इंडिया अगर सेकुलर नहीं रहे तो इंडिया की आइडिया पे ही वो खतरा है फिर, बिकॉज जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें इनहेरेंट है कि इंडिया शुड बी अ सेकुलर स्टेट, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। देयरफॉर एफर्ट शुड बी पुट, शुड बी मेड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सेकुलरिज्म। इस टाइप से कुछ लिख दो यार, ठीक है? मतलब कुछ इसमें अब जो है ना इतना, अब देखो अब मे बी इतना तुम्हें स्पेस नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि सेकुलरिज्म को जो है हमें प्रमोट करना चाहिए एंड सारे स्टेक होल्डर्स को लाइक साथ में लेके चलना चाहिए। मतलब ये बहुत ही अच्छा है कि मतलब द नीड ऑफ द आवर इज टू प्रोमोट सेकुलरिज्म एंड टू टेक ऑल द कम्युनिटीज टुगेदर।
ठीक है, जो अलग अलग कम्युनिटीज के जो कंसर्न्स हैं उनको एले करना चाहिए, सेकुलरिज्म के बारे में हमें बताना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों के थ्रू हम ये कंक्लूड करके आगे बढ़ेंगे। अब देखो, आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा बता दें यार कि जो लोग को थोड़ा सा किसी किसी को लग रहा होगा कि यार क्या क्या बता दे रहे हैं, तो यार देखो हम लोग इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, मतलब लगभग सारी चीज़ें तो दक्ष बैच में हम लोगों ने कवर किया हुआ है। ये देखो 69th मेंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव हमारा BPSC का मेंस कोर्स है, ये आपको 2399 रुपया में आपको ये बाई कर सकते हो। ये जो वेबसाइट है learn.bpsconceptwala.com, ये लिंक नीचे कमेंट में आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं GS1 GS2 दोनों के, GS1 GS2 दोनों के, DI के भी लेक्चर्स आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप जो है अवेल कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और कंटेंट और थोड़ा और ज़्यादा ब्रशअप की ज़रूरत है, क्योंकि देखो यार कंटेंट अगर नहीं रहेगा तो कितना भी अच्छा लिखने वाले हो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो इट्स योर कॉल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम जो सेकेंड क्वेश्चन था वो था कि रीजनल पोलिटिकल पार्टीज प्ले इट्स रोल इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम ये बोले कि यहाँ पे हम ये बोले कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज प्ले इट्स रोल इन इंडिया, तो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ही कीवर्ड है, कि पॉलिटिकल पार्टीज का डेफिनेशन जो है हम लोग क्या पढ़े थे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल है, ये सब हम देखेंगे। तो इसका अगर हम आंसर फ्रेमवर्क पहले बनाएं तो एक इंट्रो होगा जिसमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में प्ले इट्स रोल, रोल की बात कर रहा है तो हम गुड रोल और बैड रोल दोनों लिख देंगे, और उसके बाद में कंक्लूजन लिख देंगे, खत्म कहानी। तो अब चलो हम लोग इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे हमने आपको बोला कि या तो तुम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ले सकते हो कीवर्ड और उसको इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर सकते हो, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को ले सकते हो, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इलेक्शन लड़ते हैं टू होल्ड पावर, राइट। इलेक्शन लड़ते हैं टू होल्ड पावर, बट ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा ज्यादा जनरल हो गया। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अगर हम लोग यहाँ पे कीवर्ड बनाए ना तो वो ज्यादा सही रहेगा। और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का आपको पता है कि क्या डेफिनेशन है, हमने आपको बताया हुआ है दक्ष में। अच्छा, इस सब चीज़ों में आप एक चीज़ भूल गए अगर, तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा वो भी कोट करना है। अगर कुछ कोट हमारे पास है, क्या कोई कोट है तुम लोग के पास पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, है ना यार, स्कैट स्नाइडर वाला भूल गए कि मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अनथिंकेबल सेव इन टर्म्स ऑफ पार्टीज, राइट। कि जो हमारा मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं एक्सेप्ट कि अगर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज अगर हमारे हमारे वोकैबुलरी में नहीं है तो हम तो मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, सेव इन टर्म्स ऑफ पार्टीज। ये किसने बोला है, स्कैट स्नाइडर ने बोला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कोट्स है जो कि आपको चिपकाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग रीजनल पोलिटिकल पार्टी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि रीजनल पोलिटिकल पार्टी, इसको तुम लोग यार खोल के लिखना है, ऐसे नहीं कि यार मतलब ऐसा शॉर्टकट मार देना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इज अ पार्टी विच इज इधर बेस्ड, अब ये देखो पूरा नोट्स से हम तुम लोग के निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए नोट्स को रिवाइज करो। विच इज इधर बेस्ड ऑन रीजनलिज्म, कि या तो रीजनलिज्म उसको किसी रीजन के इश्यूज को ज्यादा प्रमोट कर रहा है या फिर वो एक रीजन की अगुवाई कर रहा है। विच इज इधर बेस्ड ऑन रीजनलिज्म, रीजनल प्राइड, है ना, मराठी मानूस और ये सब चीज़ें जो होती है, सन ऑफ द सॉयल मूवमेंट जो होती है, रीजनल प्राइड, और इज इन्फ्लुएंशियल इन अ पर्टिकुलर रिलीजन, और इज इन्फ्लुएंशियल इन अ पर्टिकुलर रीजन, सॉरी रिलीजन बोल दिया मैं, इन अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा पार्टी है जो कि या तो रीजनलिज्म पे बेस्ड हो उसका पूरा अपना एक स्ट्रक्चर जो सोर्स है उसका, या फिर रीजनल प्राइड पे बेस हो, या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में वो इन्फ्लुएंशियल हो। जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पे फिर कोट कर देना, एग्जांपल में जैसे मान लो कि RJD को ले लो, JDU को ले लो,
फिर उसके बाद में सपा को ले लो, फिर उसके बाद में AIADMK को ले लो, ठीक है। तो ये सारे कुछ आप एग्जाम्पल दे देना, सो दैट पता चल जाए कि हाँ, मतलब सिर्फ बिहार का ही एग्जाम्पल नहीं दे रहा है, ठीक। तो ये हो गया। अब हमारा आगे क्या है कि गुड रोल क्या है इसके। तो इसका अगर जो अच्छा रोल है रीजनल पार्टीज का, हमने आपको क्या बताया कि रीजनल पार्टीज मतलब किसी एक रीजन में ही वो ज्यादा अपना कारोबार संभाले हुए हैं, इन्फ्लुएंशियल वहीं पे है ज्यादा, ठीक है। तो इसका जो गुड रोल है ना रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का, वो है पहला कि ये प्रोमोट करता है कोलिशन पॉलिटिक्स को। देखो, अगर मान लो कि नेशनल पार्टीज उतना ज्यादा, मतलब अगर रीजनल पार्टीज ज्यादा स्ट्रांग होने लगेंगे, रीजनल पार्टीज अगर ज्यादा स्ट्रांग होने लगेंगे, एक सेकेंड ना, अगर रीजनल पार्टी ज्यादा स्ट्रांग होने लगेंगे ना, तो क्या होगा कि वो नेशनल पार्टीज उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब, राइट। जैसे मान लो कि अगर RJD, JDU, फिर उधर सपा, फिर उधर नीचे में शिवसेना, ये सब अगर ज्यादा स्ट्रांग होने लगे, तो भाजपा उतना स्ट्रांग रहेगी? नहीं रहेगी। कांग्रेस उतना स्ट्रांग रहेगी? नहीं रहेगी। क्योंकि रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज में एक आप समझो कि पलरा भारी, जो अगर मान लो ये भारी तो वो हल्का हो जाएगा, ये भारी तो ये हल्का हो जाएगा, ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर रीजनल पार्टीज अगर मान लो कि ज्यादा स्ट्रांग हो गई, तो क्या होगा कि वो कोलिशन पॉलिटिक्स को प्रमोट करेगा। क्योंकि कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी की फिर उतनी ज्यादा खुद की कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो मेजोरिटी अपने दम पे लेके आ जाए, राइट। तो उसको मतलब किसी रीजनल पार्टी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ही तो UPA आया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो ही तो NDA आया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और तो ही तो इंडिया आया है। क्योंकि ये लोग अकेले, अभी तो NDA अभी तो अकेले जीत जा रही है, बट 2014 के पहले जब वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय NDA अपने आप के दम पे नहीं जीत पाती थी वो। तो इसीलिए बहुत सारे पार्टी साथ में आके मिलके लड़ते हैं। तो ये कोलिशन पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है, एंड कोलिशन पॉलिटिक्स को प्रमोट करने का मतलब क्या हुआ कि वो फेडरल एक्सिस को प्रमोट कर रहा है। हमने आपको बताया था जब हम पढ़ा रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज की, एक होता है आपको पार्लियामेंट्री एक्सिस और एक होता है आपको फेडरल एक्सिस। एक होता है आपको पार्लियामेंट्री एक्सिस और एक होता है आपको फेडरल एक्सिस। पार्लियामेंट्री एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि सेंटर वाला जो चीज है, और फेडरल एक्सिस का मतलब क्या हुआ, स्टेट, आप ऐसे समझो। और हमने बोला कि जब कोलिशन पॉलिटिक्स प्रमोट होगी तो फेडरल एक्सिस स्ट्रांग होगा, मतलब स्टेट्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि रीजनल पार्टीज जनरली किसी न किसी स्टेट में ऐसे लाइक या आसपास में रहते हैं। तो अगर उनको ज्यादा से मिल रहा है नेशनल पॉलिटिक्स में, तो फेडरल एक्सिस मतलब स्टेट्स जो है ना, ज्यादा उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है उसमें भी वो कुछ कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, राइट। तो इसलिए फेडरल एक्सिस बढ़ेगा, सेंटर जो है ना उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, क्योंकि सेंटर में जो सरकार रूल कर रही है उसमें बहुत सारे पार्टीज हैं, तो किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं है, राइट। तो ये चीज होगा, कोलिशन पॉलिटिक्स अच्छी चीज है, क्योंकि वहां पे फिर लोग जो है ना कुछ भी रैंडम डिसीजन नहीं ले लेंगे, थोड़ा सा फिर डिसीजन मेकिंग जो भी होती है तो उसके पहले थोड़ा डेलिबरेशन, डिस्कशन, ये सब करते हैं, कंसेंसस बनाना पड़ता है, तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। दूसरा, अगर आप देखोगे तो हमारे डेमोक्रेसी को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाता है, डेमोक्रेसी को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाता है, क्योंकि आप अलग अलग लोगों के अलग अलग रीजन्स को आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो नेशनल पॉलिटिक्स में, राइट। क्योंकि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, हमने क्या बोला कि रीजनलिज्म पे बेस्ड है या रीजनल प्राइड पे बेस्ड है, तो अगर ये लोग केंद्र में जा रहे हैं सरकार में, तो ये अपने रीजन के इश्यूज को लेके जाएंगे कि भाई हमने आपको सपोर्ट किया है तो हमारे रीजन के लिए कुछ करो, हमारे रीजन के लिए थोड़ा फंड्स लेके आओ, थोड़ा स्कीम्स लेके आओ, तो ये सब तो फर्क पड़ता है ना, राइट। तो इसलिए डेमोक्रेसी हमारा ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है, डिपेंड करता है, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये की वर्ड है, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी होती है। क्योंकि लोग जो है, देखो, जब आप एक ऐसा लिंक जब आप सेटअप कर दे रहे हो जहां पे जो रीजनल पार्टी है उसका इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स पे पड़ रहा है, नेशनल जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है उस पे पड़ रहा है, तो लोगों लोगों के पास में जो है ना ज्यादा फिर एक वॉयस आती है, आवाज आती है उस रीजन के, जो उस पार्टी के जो समर्थक लोग हैं, फिर उनको अपना लगता है कि आई एम बिंग रिप्रेजेंटेड, उनको डेमोक्रेसी में ज्यादा फिर एक क्या बोले, कन्विक्शन आती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि आप उस रीजन के जो लोग हैं, जो कि भले ही पहले नेशनल पॉलिटिक्स में उतना कंट्रीब्यूट
दिलचस्पी नहीं लेते होंगे, इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे, वो भी अब ले रहे हैं, राइट। तो दैट इज़ द थिंग। तो ये है चौथा, अगर आप देखोगे इसमें तो रीजनल जो ग्रीवांसेज होते हैं, जैसे अलग अलग रीजन के ग्रीवांसेज होते हैं कि यार हमें ये चाहिए, यहाँ पे हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दो, ठीक है। तो ये सब होते हैं, जो रीजनल ग्रीवांसेज जो है ना उसको सूद करती है। जब रीजनल पार्टीज का रोल क्या है कि जब रीजनल पार्टीज आती है, रिप्रेजेंट करती है अपने रीजन के लोगों को, तो उस रीजन के लोगों को ये लगता है कि यार हमें तो रिप्रेजेंटेशन मिल ही रही है, तो थोड़ा सा उनके ग्रीवांसेज जो है ना वो सूद आउट हो जाते हैं, मतलब वो कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, उनका भी कुछ से है सरकार में। ऐसा नहीं है कि उन पे बस सारी चीज़ें थोपी जा रही है ऊपर से, राइट। जैसे आप अगर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे तो एक असम गण परिषद जो पार्टी हुई उधर, तो वो जब सरकार बनाने लगी तो क्या हुआ, सरकार में पार्टिसिपेट करने लगी, तो वहाँ पे जो इंसर्जेंसीज और ये सब थे वो कम हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रीजनल ग्रीवांसेज को सूद करने का अच्छा तरीका है कि रीजनल पार्टीज को आप मेन स्ट्रीम में ला दो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके गुड रोल है। अगर बैड रोल की बात करें तो बैड रोल भी है इसमें। अब देखो, जैसे हमने आपको बताया कि कोलिशन पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ भी हो सकती है कोलिशन पॉलिटिक्स, क्योंकि कोलिशन में, गठबंधन में क्या होता है कि पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है, जो सरकार है वो स्ट्रांग डिसीजंस नहीं ले पाती है, क्योंकि बहुत सारे पार्टीज से आपको पूरा डिस्कशन करना है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कंसेशंस उतना नहीं कर सकते हो जिससे कि सबको खुश रख सको, तो वो फिर एक स्पॉयलर की तरह प्ले करने लगेगा, जिसको नहीं मिला अपना मनचाहा कुछ मंत्रालय या फिर मनचाहा कुछ पैसा या जो भी चीजें हैं, तो वो फिर उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसके आइडियोलॉजी से अगर वो डिफरेंट है चीज़ तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो पॉलिसी पैरालिसिस होने के डर रहते हैं, तो दैट इज़ बैड। अगर आप दूसरा देखो तो एक्सट्रीम रीजनलिज्म में कभी कभी जो है ना डिसेंट कर जाता है, जो रीजनल पार्टीज हैं, मैंने आपको क्या बताया कि दे कैन बी बेस्ड ऑन रीजनलिज्म, कि उस रीजन के जो इश्यूज हैं, उस रीजन के लोगों के जो भी अपने एक कन्विक्शंस हैं, उस रीजन के लोगों के जो मतलब उनका वैल्यू सिस्टम है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। कभी कभी ये होता है कि एक्सट्रीम रीजनलिज्म हो जाती है। एक्सट्रीम रीजनलिज्म का मतलब क्या, कि सेसेशनिज्म पे आप चले जा रहे हो, कि हम इस देश से अलग होना चाहते हैं, या फिर आप क्या करने लगोगे, सन ऑफ द सॉयल मूवमेंट होने लगेगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि यार इस जमीन पे यहाँ के जो लोग हैं वही रहेंगे, बाकी किसी स्टेट से अगर लोग आ रहे हैं तो उनको हम मार मार के भगाएंगे, जैसे महाराष्ट्र में बिहार यूपी के लोगों के साथ में कुछ टाइम पहले होता था, कि वहाँ पे मराठी मानुष, मराठा प्राइड और ये सब चीज़ें होने लगती थी। तो ये सब तो अच्छी चीज़ें नहीं है ना। अगर आप कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, वो सेसेशनिज्म पे चली गई, राइट। अगर आप यहाँ पे शिवसेना को दे दो, अर्लियर जो उसका अवतार था, तो ये सब सन ऑफ द सॉयल मूवमेंट होने लगी, तो ये जो है ना भूमिपुत्र जो बोलते हैं, तो ये एक्सट्रीम रीजनलिज्म भी बैड है, राइट। बहुत बार ऐसा होने लगता है कि जब रीजनल पार्टीज, उनको ज़्यादा वोट वोट नहीं मिल रहे, तो एक्सट्रीम लेवल के रीजनलिज्म को करने लगेंगे कि इस बहाने उनको वोट मिले, उस रीजन के लोग उनको सपोर्ट करें, ठीक है। उसके बाद अगर आप रीजनल पार्टीज की बात करोगे तो ये लोग ना जनरली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स खेलते हैं, वैसे तो मतलब इंडिया में ही बहुत ही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, बट रीजनल पार्टीज में और ज़्यादा है। एक आदमी है, एक फैमिली है, आरजेडी को ही देख लो, जेडीयू में तो नीतीश बाबू नहीं है, सपा को देख लो, एआईएडीएमके को देख लो, ठीक है, आप उड़ीसा में बीजू जनता दल को देख लो, तो ये हर जगह में ना डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। एंड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ यार, कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, जो हाई कमांड को सही लग रहा है वही चीज़ें हो रही है, उनका जो पसंद का आदमी है, भले ही एक नंबर का चोर उचक्का है, वही बनेगा, कुछ अच्छा पोस्ट पे कुछ आएगा, तो इससे क्या होता है ना कि इफिशियंसी घटती है, इससे क्या होता है करप्शन बढ़ता है, राइट। तो ये चीज़ें हैं प्रॉब्लम, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी इससे नहीं रहती है। अगर आप देखोगे इसके बैड, ये तो पैरोकियल जो पॉलिटिक्स होती है वो आपको ज़्यादा फिर कभी कभी उफान मारने लगती है। पैरोकियल पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ कि आप रीजन के इश्यूज उठा तो रहे हो, लेकिन नेशन के इश्यूज को फिर आप जो है ना थोड़ा दरकिनार कर दे रहे हो, तो नेशनल इंटरेस्ट भी तो आपको थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा ना। जैसे कुछ टाइम पहले टिस्टा एग्रीमेंट हमें बांग्लादेश से साइन करना था, कि जो टिस्टा नदी जाती है, इंडिया और बांग्लादेश दोनों से जाती है, तो टिस्टा नदी में वाटर शेयरिंग जो होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में,
तो वो लगभग मतलब फाइनल स्टेज में था, लेकिन ममता बनर्जी जाती है और बोलती है कि हाँ भाई हम तो नहीं साइन करने देंगे ये वो, क्योंकि वेस्ट बंगाल से जाती है एंड मतलब वहाँ पे एक ये इलेक्टोरल इश्यू है, इलेक्शन का इश्यू है। तो उन्होंने पूरा एकदम मतलब जेओपार्डाइज कर दिया। अब भाई वो नेशनल इंटरेस्ट में चीज़ें वो होती अगर वो होती तो, लेकिन आपने उसको नहीं करने दिया। इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन अच्छा होता तो उसको, लेकिन आपने अपने पैरोकियल, पैरोकियल का मतलब नैरो जो आपका पॉलिटिक्स है एक रीजन के बेसिस पे, उसको आपने क्या कर दिया, उसके बेसिस पे एक नेशनल इंटरेस्ट वाली चीज़ को आपने दबा दिया ताकि आपके रीजन के या फिर आपके इलेक्टोरल इश्यूज को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी मिले। तो ये भी होता है, दिस इज़ बैड, राइट। कंक्लूजन में क्या लिखोगे दोस्त इसमें? कंक्लूजन में यही लिखो कि पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज आर इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, रीजनल पार्टीज आर इम्पोर्टेंट इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, एट द सेम टाइम दे शुड वर्क ऑन, क्या चीज पे वर्क करना चाहिए उनको अपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, उन्हें वर्क करना चाहिए, दे शुड वर्क ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल एंड एटीट्यूडिनल लेवल, कि एटीट्यूड भी आपको जो है ना, किस टाइप के एटीट्यूड आप रख रहे हो, कि मतलब नेशन की जो चीज़ें हैं उसको आप आगे रख रहे हो कि नहीं, इस टाइप से आप अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के मतलब कि डेमोक्रेटिक कुछ आप लेके आओ, या फिर ऐसे ना मतलब इतना आप एब्स्ट्रैक्ट भी लिखने की जरूरत नहीं। मे भी एग्जामिनर बोलेगा यार क्या ही तुम बकैती करो। तो यहाँ पे इससे दे शुड वर्क ऑन, एट द सेम टाइम दे शुड वर्क ऑन प्रोमोटिंग इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, ऐसे लिख दो, प्रोमोटिंग इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, राइट। उसके बाद में यू नो पुटिंग नेशनल इंटरेस्ट ऑन प्रायोरिटी, तो ये सारी चीज़ें जो है, नेशनल इंटरेस्ट ऑन प्रायोरिटी, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट बेटर इन द नेशन बिल्डिंग, इस टाइप से आप थोड़ा सा बोल बचन करके निकल लो। कंक्लूजन में उतना ये नहीं है, कंक्लूजन हमेशा आप ये समझो कि कंक्लूजन में जो चीज़ें आपने ऊपर में लिखा, जैसे हमने क्या लिखा कि रीजनल पार्टीज अच्छा रोल भी प्ले करते हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी हैं उनकी, कि भाई थोड़ा सा वहाँ पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है या फिर पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है दोनों को समराइज करके यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि रीजनल पार्टीज तो इंपॉर्टेंट है इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, बट एट द सेम टाइम कुछ उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर उनको वर्क करना चाहिए। बस इसके साथ में आप आगे निकल जाओ। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्त वो है कि द पॉजिटिव डायरेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉजिटिव डायरेक्शंस ये ऑपरेटिव कीवर्ड है यहाँ पे, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एज अ चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो अब इसमें आपको समझना है कि कीवर्ड क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब डीपीएसपी की बात कर रहा है यार, इतना तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसमें आंसर फ्रेमवर्क में इंट्रो आएगा हमारा, जो कि डीपीएसपी के बारे में हम बताएंगे और वो कैसे सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का चार्टर है। तो चार्टर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड कंक्लूजन। आप देखो मतलब बस आपको तोड़ देना है क्वेश्चन को इंटू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अगर हम इंट्रो की बात करें तो यहाँ पे ये क्या बोला है कि द पॉजिटिव डायरेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हम क्या लिखेंगे कि जो पॉजिटिव डायरेक्शंस है, कि यहाँ पे द लगा लो, कि द पॉजिटिव डायरेक्शंस आर कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पे तुम पूरा लिख देना, वैसे डीपीएस की ज़्यादा बड़ा है तो शुरुआत में भी इसको तुम शॉर्ट फॉर्म में डाल सकते हो, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखना ज़्यादा वो लंबा हो जाएगा। बट या आई मीन द पॉजिटिव डायरेक्शंस आर कंटेंट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डीपीएसपी, ठीक है। एंड यहाँ पे डीपीएसपीज, फिर यहाँ पे डीपीएसपीज एम टू प्रोमोट क्या, एम टू प्रोमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी,
दैट इज वेलफेयर स्टेट, इसी को हम लोग वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। ये सब हमने बताया हुआ है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दैट इज, अब ये सब मैं ऐसे लिख रहा हूँ बट आप लोग सेंटेंस में लिखना, ठीक है, दैट इज वेलफेयर स्टेट, ठीक है, तो ऐसे आप लिख दिए, एंड आर कंसिडर्ड फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो बट ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 37 में आपको पता है कि वो बोलता है कि डी पी एस पी आर टू बी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, बट इतना भी चलेगा। अब ये चार्टर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी कैसे है? सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? आप ऐसे समझो कि डेमोक्रेसी सोशल, सामाजिक लेवल पे डेमोक्रेसी, मतलब सोसाइटी सोसाइटल लेवल पे इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी, एक बेसिक इक्वालिटी होनी चाहिए लोगों के बीच में, कि कास्ट के बेसिस पे हम उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें, रिलीजन के बेसिस पे नहीं, जेंडर के बेसिस पे नहीं, रीजन के बेसिस पे नहीं, राइट, सब कोई एक बेसिक सेंस में इक्वल सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री है, राइट, एंड वही है सोशल डेमोक्रेसी का मतलब। तो अब सोशल डेमोक्रेसी कैसे प्रमोट कर रहा है डीपीएसपी, हाउ डीपीएसपी इज अ चार्टर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, ये हमें बताना है। तो डीपीएसपी जो हमारे इतने सारे हैं उसमें से जो सोसाइटल लेवल पे जो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है वो कुछ चार पॉइंट यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे पहला अगर मान लो हमें डालना हो तो हम क्या बोलेंगे कि भाई आर्टिकल 38(1), ऐसे भी लिख सकते हो आर्टिकल से, आर्टिकल 38(1) ये क्या बोलता है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये हम प्रमोट करने की बात करते हैं सोशल, ये पूरा तुम लिखना है ऐसे, SOCECO ऐसे मत लिखना, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये है, ये हम प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो दैट इज अबाउट प्रोमोटिंग सोशल डेमोक्रेसी। व्हेन वी आर प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस, जब हम सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रहे हैं दोस्त, तो सोशल डेमोक्रेसी को भी तो प्रमोट कर रहे हैं, राइट तो आर्टिकल 38(1) में, दिस इज वाई DPSP इज अ चार्टर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। दूसरा, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब यहाँ पे एक जो आपने जब शुरू कर दिया ना एक तरीके से, तो यहाँ पे फिर से पहले अब आर्टिकल लिखो, अगर याद नहीं आर्टिकल तो ऐसे स्टार्ट मत करना, ये नहीं कि एक में आर्टिकल लिख दिया दूसरे में पता ही नहीं कौन सा आर्टिकल है, राइट। तो ये हमारा आर्टिकल 39A, ये क्या बोलता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब ये तो सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है ना, कि हम जस्टिस सबको देना चाहते हैं, जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको भी हम देना चाहते हैं। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि चूंकि हमारा जो न्याय प्रणाली है, जो जस्टिस सिस्टम है, वो इतना कॉस्टली है कि अगर कोई गरीब आदमी इसके अगर चुंगल में फंस जाए तो उसके पास पैसे ही नहीं रहते कि वो इससे निकल पाएगा। लेकिन एक अगर इक्वल जस्टिस हमें प्रमोट करना है तो हमारा ये दायित्व बनता है, स्टेट की ये दायित्व बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस गरीब आदमी को भी लीगल एड दे, कि भाई अगर आप मान लीजिए अनपढ़ हैं, आपको समझ नहीं है कि कैसे लॉ सिस्टम काम करता है, कैसे संविधान में चीज़ें, आईपीसी में क्या है, कैसे जो आपका जज लोग सब कैसे क्या काम करता है, तो आपको वकील की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपके पास तो पैसे हैं नहीं, तो वहाँ पे इसीलिए सरकार ने लगेगी फ्री लीगल एड देंगे। और इसीलिए हम लोग जो है ना, फिर नालसा जो एक्ट है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के थ्रू हमने नालसा जो इस्टेब्लिश किया, वो नालसा लीगल एड देता है, फ्री लीगल एड, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 40 क्या बात करता है, विलेज पंचायत को, प्रोमोटिंग विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये गांधी बाबा का। तो विलेज पंचायत जब हम प्रोमोट कर रहे हैं तो यार सोशल लेवल पे डेमोक्रेसी ही तो लेके जा रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पे हम डेमोक्रेसी लेके जा रहे हैं, तो प्रोमोटिंग विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, राइट, तो ये तो सोशल डेमोक्रेसी ही हुआ। अब इसके एग्जाम्पल में लिख दो कि 73rd, 74th से हम लोग क्या किए, इसमें तो लाइक 73rd ही आएगा क्योंकि 74th इज अबाउट अर्बन ये एरिया के लिए, तो यहाँ पे विलेज पंचायत की बात हो रही है तो ये 73rd ही आएगा। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर आप मान लो और अगर लिखना चाहते हो एक और, तो हम आर्टिकल 41 में बात करते हैं कि पब्लिक असिस्टेंस देंगे, पब्लिक असिस्टेंस देंगे, किस केस में हम पब्लिक असिस्टेंस देंगे, कि अगर मान लो कोई अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उसको देंगे, अगर मान लो कोई बूढ़ा आदमी है, बुढ़िया औरत है, उनको देंगे, अगर मान लो कोई बीमार है उनको देंगे, और मान लो कोई डिसेबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, उनको देंगे, तो पब्लिक असिस्टेंस दे रहे हैं यार। सोशल डेमोक्रेसी में हम जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको अगर हम स्पेशल कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि वो अपने जीवन का यापन सही से कर सके, तो ये अच्छी, तो सोशल डेमोक्रेसी को ही प्रमोट कर रहा है।
हम अगर सोसाइटी में अपने देखें तो ये बहुत ही वल्नरेबल सेक्शन ही तो है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो डिसेबल्ड हैं। तो स्टेट पब्लिक असिस्टेंस देना चाहिए स्टेट को, ये आर्टिकल 41 बोलता है, दैट प्रोमोट्स सोशल डेमोक्रेसी, दैट इज़ वाई DPSP इज आर चार्टर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। तो ये चार पॉइंट हो गया, इतना काफ़ी है। अब चार्टर ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे है ये हम देखते हैं। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में फिर अगेन इकोनॉमिक लेवल पे डेमोक्रेसी, मतलब धन के लेवल पे, दौलत के लेवल पे, इनकम के लेवल पे, ये सब पे हम लोग देखेंगे। पॉवर्टी नहीं ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये सब में कैसे हमारा DPSP प्रमोट कर रहा है डेमोक्रेसी को, ये हम देखते हैं। तो इसमें पहला जो आएगा वो आर्टिकल 38(2), ये क्या बोलता है कि भाई आप रिड्यूस करो इनइक्वालिटी को, राइट? आप रिड्यूस करो इनइक्वालिटी को क्या चीज़ में? इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज में, अपॉर्चुनिटीज में। तो ये आ गया ना कि इनकम इनइक्वालिटी है उसको आप रिड्यूस करो, स्टेटस में कि किसी को ज़्यादा स्टेटस मिलता है सोसाइटी में, प्रेस्टीज, किसी को कम मिलता है, तो फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी सबको समान अवसर मिलना चाहिए पढ़ने का, उसके बाद में आगे करने का जो उसका टैलेंट ये समझ में आए, बेसिक फैसिलिटीज, हेल्थ जो फैसिलिटी है, एजुकेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो बेसिक मिलनी चाहिए, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, ये सब मिलना चाहिए। दूसरा अगर आप देखोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करने की बात होती है, राइट? आर्टिकल 39 क्लॉज सी क्या बोलता है कि प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा इकोनॉमी GDP अगर मान लो हम लोग का ग्रो कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के पास ही वो पूरा धन जा रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सारे लोगों में, सो दैट सबका भला हो, राइट? तो इसीलिए ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करने की बात करता है, और इसीलिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का ये आस्पेक्ट है। आपको मैंने बताया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आर्टिकल है आपका 39D, इसमें जोड़ लेना 39D, ये है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि अगर मान लो महिला और पुरुष दोनों अगर सेम काम को कर रहे हैं सेम टाइम के लिए, तो उनको वेतन भी समान मिलना चाहिए, है ना? इसमें तो कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये भी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को ही तो प्रमोट कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक लेवल पे मेन एंड वीमेन को इक्वालिटी से ट्रीट करने की बात कर रहा है, कि काहे आप वेतन देने में जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, अगर वो काम सेम कर रहे हैं चीज़ें तो होना नहीं चाहिए। उसके बाद में राइट टू वर्क, आर्टिकल 41 की अगर आप बात करोगे तो राइट टू वर्क की बात करता है कि सबको काम करने का अधिकार होना चाहिए। बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं बट उनको नौकरी नहीं मिलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 43 की बात करोगे तो बोलता है कि वर्कर्स के लिए लिविंग वेज लेके आओ, लिविंग वेज। राइट टू वर्क के लिए ही हमने मनरेगा लेके आया, ये चीज़ तो आप मानोगे कि 100 दिन का आपको मैनुअल लेबर करने का, एक साल में आपको ये अधिकार है। लिविंग वेज फॉर वर्कर्स लेके आओ, ये आर्टिकल 43 बोलता है कि भाई वेतन इतना मिलना चाहिए जिससे जीवन यापन सही से हो सके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना कम वेतन है कि उससे आपका पेट भी सही से नहीं भर रहा है। तो वेज इतना होना चाहिए जिससे आपकी लाइवलीहुड अच्छे से चल सके। तो ये भी तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की ही बात है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि एज आर्टिकल 37 स्टेट्स, हमारा क्या है, DPSPs आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट शुड टेक मेजर्स सो दैट दिस DPSPs आर फुलफिल्ड सूनर देन लेटर। ये DPSPs क्या है, फंडामेंटल टू द, थोड़ा लिख देता हूँ, फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। एंड इसीलिए हमें स्टेट को, जो हमारा स्टेट है उसको एफर्ट्स ऐसे लगाने चाहिए जिससे कि हमारा जो DPSP है उसको फुलफिल हम कर सके सूनर रैदर देन लेटर। इसको आप लोग हाँ इसमें लिख लेना सेंटेंस में, सूनर रैदर देन लेटर, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, राइट? ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन द जुडिशियल रिव्यू, जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या करोगे, इसमें आपका आंसर फ्रेमवर्क में इंट्रोडक्शन, जुडिशियल रिव्यू के बारे में कुछ देना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, फिर उसके बाद में इसका इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू का, कंसर्न्स क्या है जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग, एंड कंक्लूजन। अब देखो यहाँ पे ना एक्सप्लेन करने को बोल रहा है जुडिशियल रिव्यू को, तो ये बॉडी कैसे हम बनाएं,
क्योंकि ऐसा तो कुछ डायरेक्टली ये नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इम्पोर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू का या फिर कंसर्न्स क्या है, तो हमें ये बनाना पड़ेगा ना। वहाँ पे फिर हमें सोचना पड़ता है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं जुडिशियल रिव्यू के। तो जुडिशियल रिव्यू का कुछ इम्पोर्टेंस है क्योंकि जुडिशियरी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ही तो मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को चेक में रखती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंस है उसका, बट कंसर्न्स भी है। तो इसीलिए ये दो बॉडी पार्ट्स आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका जुडिशियल रिव्यू का आस्पेक्ट लगता है उस पर आपको किसी भी टॉपिक को, अगर मान लो कि एक्सप्लेन एक्स, अब एक्स को तो पहले आपने डेफिनेशन में दे दिया, बता दिया कि क्या है एक्स, अब उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स वाई और जेड है उसको आप डाल दो, क्योंकि ऐसा कुछ एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहा है क्वेश्चन कि इसके बारे में हमें यहाँ बताओ जुडिशियल रिव्यू की, ऐसा नहीं, राइट। इसीलिए हमने ये बनाया। अब इंट्रो अगर देखोगे तो देखो कोट हम हमेशा बोलते हैं। अब हमने आपको एक कोट दिया हुआ कि जुडिशियरी ब्रीथ्स लाइव इन टू द इनर्ट पेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेलिक्स फ्रैंकफर्टर का। वो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो एक और आपको हम कोट दे रहे हैं कि जस्टिस जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी का है कोट, ये हम लोग पॉलिटिकल साइंस में लिखते हैं। जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एज ट्रूथ इज ऑफ सिस्टम्स ऑफ थॉट। सिस्टम्स ऑफ थॉट ये किसने बोला है पता है आपको? जॉन रॉल्स, बहुत ही बड़ा आदमी, मतलब आप समझ लो कि पॉलिटिकल फिलॉसफी में पिछले 200-300 साल में सबसे बड़ा आदमी यही है। ये बोल रहे हैं कि जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। कोई भी अगर आप सामाजिक समाज के लेवल पे कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर बनाना चाहते हो तो जो जस्टिस है ना वो उसका फर्स्ट वर्च्यू होना चाहिए। जस्ट एज जैसे कि हमारा कोई भी सिस्टम ऑफ थॉट जो होता है उसमें ट्रूथ होता है बहुत बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट वर्च्यू, सब फर्स्ट वर्च्यू। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कोई भी आप थ्योरी अगर लेके आते हो कि ग्रेविटेशन की थ्योरी लेके आए फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में अलग अलग जो रदरफोर्ड का है थ्योरी या जो भी है, तो ये सब जो थ्योरी है आप कितना भी अच्छा थ्योरी, कितना भी एलिगेंट थ्योरी बना दो, कितना भी इकोनॉमिकल थ्योरी बना दो, लेकिन अगर वो ट्रू नहीं है तो उसका कोई काम नहीं। सबसे पहला चीज जो हम थ्योरी में चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि वो ट्रू है कि नहीं, राइट। तो उसी तरीके से अगर सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सोशल इंस्टीट्यूशन एफिशिएंट आप बनाए, आप जो है एलिगेंट बना दिए हैं, आप जो है बहुत ही लेस टाइम टेकिंग बना दिए हैं, वो सब ठीक है, लेकिन जस्टिस अगर उसके बेस पे नहीं है ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला चीज आपको इंश्योर करना है कि जस्टिस उस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं, उस इंस्टीट्यूशन को जस्टिस इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं, इज दैट इंस्टीट्यूशन जस्ट और नॉट, न्यायप्रिय है कि नहीं वो इंस्टीट्यूशन। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू इंश्योर। कितना अच्छा कोट है ये कि अगर कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन अगर आप बना रहे हो तो उसमें जस्टिस सबसे पहले आप इंश्योर करोगे। जैसे कि हम कोई भी थ्योरी अगर लेके आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो ट्रू है कि नहीं, राइट। ये जॉन रॉल्स बोलता है, तो ये भी अच्छा चीज़ है। जस्टिस से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो इसको रख सकते हो। उसके बाद में जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन कर दो इंट्रोडक्शन में कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, इज द पावर पावर ऑफ द कोर्ट्स, पावर ऑफ द कोर्ट्स टू डिसाइड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ये तो कोर्ट का एक पावर है कि जिससे ये संवैधानिकता डिसाइड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिकता को ये डिसाइड करते हैं किसके, एक्ट्स के, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, राइट। तो यही करते हैं काम कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, पावर है कोर्ट्स का जिससे कि वो डिसाइड करते हैं कि भाई कोई अगर लेजिस्लेचर जो विधायिका है या फिर कोई जो कार्यपालिका कोई भी अगर काम कर रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, वो संवैधानिक है कि नहीं, वो संविधान के तराजू पे खरा उतर रहा है कि नहीं। दैट इज जुडिशियल रिव्यू सिंपल सी भाषा में, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं बोलूँगा उसमें ऐड करना, दैट इज सोर्स क्या है जुडिशियल रिव्यू का, जो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का सोर्स है वो क्या है।
आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32, मतलब आर्टिकल 13 के थ्रू और आर्टिकल 32 के थ्रू जुडिशियल रिव्यू का पावर मिलता है सुप्रीम कोर्ट को। आपको पता है कि आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और बोल सकते हो कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, आप इसको रिस्टोर कीजिए। तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का पावर वहाँ से आता है। तो ये है कुछ आपको, अब इम्पोर्टेंस क्या है इसका। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस इसका आप समझो कि ये मेंटेन रखता है प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, मेंटेन प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब कि हमारे देश में सबसे सुप्रीम चीज़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात होती है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी नहीं है। यहाँ पे विधायिका जो लेजिस्लेचर है दैट इज नॉट द सुप्रीम बॉडी, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज नॉट द सुप्रीम थिंग, यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जजेस जो लोग हैं, जो जुडिशियरी है, वो क्या करती है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्राइमेसी को मेंटेन करते हैं कि आप जो है अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको ख़त्म कर देंगे, नल एंड वॉइड कर देंगे। तो आप कैसे कर पाओगे फिर वो, राइट। तो इससे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मेंटेन रहती है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। दूसरा, ये अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अकाउंटेबिलिटी को ये इंश्योर करती है। क्योंकि अगर मान लो कि कुछ वाहियात तरीके से, कोई गलत तरीके से कोई काम कर रहा है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कुछ भी, कि भाई कानून बनाया नहीं लेकिन वो इम्प्लीमेंट कर दिया, या कानून जो बनाया है वही बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट है, तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो जुडिशियरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो बताती है लेजिस्लेचर को भाई ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि संविधान के अगेंस्ट, संविधान का जो हमारा वैल्यू है, जो स्पिरिट है, उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो। तो अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है, अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इन लोगों को सब कोई को अकाउंटेबल होना है ना कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है, तो वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स को ये इंश्योर करता है, ऐसा नहीं हो जाए कि भाई एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के डोमेन में जा रहा है, लेजिस्लेचर जुडिशियरी के डोमेन में चला गया। तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि भाई अपने अपने डोमेन में रहो, अपने औकात से बाहर की चीज़ें मत करो। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी इंश्योर करता है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो रूल ऑफ लॉ को बोल सकते हो कि हमारा क्या है, संविधान क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, वो भी एक लॉ ही तो है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को ही, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को ही तो ये प्रोमोट कर रही है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, तो इसीलिए रूल ऑफ लॉ को ही प्रोमोट कर रहा है। पांचवा अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंस, तो ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। हमने अभी आपको बताया ना कि जो एक सोर्स है जुडिशियल रिव्यू का, वो आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 क्या है, फंडामेंटल राइट है हमारा, जो कि बोलता है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो रिट्स इश्यू कर सकती है, यही तो बोलती है आर्टिकल 32। तो एक्चुअली ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये हमारे फंडामेंटल राइट को भी तो प्रोटेक्ट कर रही है, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें थोड़ा एक और अगर आपको लिखना है इम्पोर्टेंस, तो जैसे मान लो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट बना के रखती है। क्योंकि होता क्या है ना कि जुडिशियल रिव्यू में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करती है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम, टाइम के साथ में। जैसे मान लो कि अभी डिजिटल ज़माना है, प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो राइट टू प्राइवेसी को इन्होंने वहाँ पे आर्टिकल 21 में ऐड कर दिया, पर्सनल लिबर्टी में, राइट। राइट टू प्राइवेसी केस पुट्टा स्वामी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी बिकेम द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो ये जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ही तो वो बार बार इंटरप्रेट करके कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या, हम लोग ऑर्गेनिक पीपल, मतलब क्या कि उसकी कुछ लाइफ है, उसकी कुछ डायनेमिज्म है, उसकी कुछ मोशन है, वो स्टैटिक नहीं है, वो रिजिड नहीं है, वो स्टोन की तरह नॉन लिविंग नहीं है, दैट इज अ लिविंग थिंग बिकॉज इट हैज लाइफ, बिकॉज इट मूव्स। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट बना के रखने में सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंस हो गए। आगे बोले कंसर्न्स इसके क्या है, तो कंसर्न्स तो है यार, अगर आप जुडिशियल रिव्यू की बात करो तो पहला है कि कभी कभी क्या होता है, सॉरी
पहला है, कभी कभी क्या होता है कि इट लीड्स टू जुडिशियल ओवररीच, मतलब जुडिशियल रिव्यू तो ठीक है और ये तो संविधान से ही आपको मिल रही है अलग अलग आर्टिकल से, लेकिन जुडिशियल ओवररीच नहीं होना चाहिए। ओवररीच का मतलब कि भाई आप अपने बाउंडेशन से बाहर जाके किसी और के डोमेन में जा रहे हो, लेजिस्लेचर के डोमेन में जा रहे हो, एग्जीक्यूटिव के डोमेन में जा रहे हो, मतलब कि अगर आपको यहाँ तक पावर है तो आप ओवर रीच कर गए, आप इधर आ गए, और ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ये सब का डोमेन है, इसमें आपको नहीं घुसना था लेकिन आप घुस गए, तो ये जुडिशियल ओवर रीच कभी कभी जो है ये हो जाती है। तो ये है, तो लिस्ट टू जुडिशियल ओवर रीच, जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने NJSE एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। अब ऐसा बोलते हैं कि यू नो कि ये थोड़ा सा इन लोग का ओवर रीच था, क्योंकि NJSE एक्ट यूनानिमसली पास हुआ था यार, मतलब हमारे पार्लियामेंट में यूनानिमसली लगभग पास हुआ था, एंड जो संविधान में दिया गया है उसमें यही दिया गया है कि भाई अगर अपॉइंटमेंट करना है किसी जज का तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। इन लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम अपने हिसाब से बनाया, संविधान में कॉलेजियम सिस्टम मेंशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने कॉलेजियम सिस्टम को पूरा जन्म दिया है, और जब सरकार ने कुछ एक ऐसा इंस्टीट्यूशन लेके आ रही है तो आपने पूरा खारिज ही कर दिया। अगर मान लो कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी तो आप बोलते कि इसमें ये चीज़ें आप सुधार करो, लेकिन आपने खारिज कर दिया, तो इट इज़ कंसिडर्ड जुडिशियल ओवररीच। दूसरा अगर देखोगे कंसर्न क्या है, टाइम टेकिंग है, जुडिशियल रिव्यू इज़ टाइम टेकिंग। अभी आप देखो, अभी आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चल रहा है सुनवाई, इलेक्टोरल बॉन्ड सोचो तीन मतलब 2017-18 में आया है, अरुण जेटली जी लेके आए थे उसको, और मर गए कितना साल पहले, 17 मतलब 5-6 साल हो गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भाई, तब तक कितना सारा पैसे उससे आए गए, सब चीज़ हुए, अब जाके सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी सुनवाई कर रही है, तो बहुत टाइम टेकिंग है, 4 से 5 साल एवरेज डिले है, तो ऐसे कैसे चलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज में दोस्त। अभी आर्टिकल 370 वाला जो मैटर है वो सुनवाई नहीं हुई है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं ऐसी कि आपको बहुत टाइम लग जाता है, और इसीलिए थोड़ा सा एक कंसर्न है कि इतना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इश्यू को आप इतना टाइम लगा दे रहे हो। तीसरा अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे प्रोएक्टिव अगर जुडिशियरी काम कर रही है, जैसे जुडिशियल रिव्यू के थ्रू मान लो कि प्रोएक्टिवली वो काम कर रही है और वो PIL खूब एक्सेप्ट कर रही है, खूब PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन खूब अलग अलग जगह से एक्सेप्ट कर रही है, ये एक्टिविस्ट लोग PIL खूब फाइल करते ही हैं, एक्सेप्ट भी करेगी, हाँ इस पर भी हम सुनवाई करेंगे, उस पर भी सुनवाई करेंगे, तो इससे क्या होता है कि पेंडेंसी बढ़ती है, मतलब जो पेंडिंग केसेस हैं वो तो बढ़ रही है, क्योंकि आप 34 लोग हो सुप्रीम कोर्ट में जजेस, आप कितने केसेस को आप सुनवाई कर पाओगे, लेकिन आप एक्सेप्ट किए जा रहे हो PIL को, तो पेंडेंसियाँ बढ़ा रहे हो, ये भी तो एक कंसर्न है, बैकलॉग कैसे क्लियर होगा। अभी हमारे देश में 4.5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं टोटल, सबसे ज़्यादा किसी देश में अगर पेंडिंग केसेस हैं तो वो इंडिया में है, और एक VV गिरी सम जज है हाई कोर्ट के, उन्होंने बोला कि 300 साल लग जाएगा जुडिशियरी को ये पूरा बैकलॉग को ख़त्म करने में, तो ये भी तो एक कंसर्न है ना। अगर आप देखोगे और कुछ, तो जैसे मान लो कि ये ब्लर करता है एग्जीक्यूटिव के और जुडिशियरी के बीच में जो एक लाइन है उसको ब्लर कर देता है, कि मतलब जुडिशियरी कभी कभी एग्जीक्यूटिव के डोमेन में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली के टाइम में दिल्ली में ये अभी है कि आप इससे इस टाइम के बीच में फायर क्रैकर्स उड़ा सकते हो, पटाखे आप इससे इस बीच में छोड़ सकते हो, और उसके भी कुछ रेगुलेशंस हैं कि ग्रीन क्रैकर्स होने चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन फैलाता है ये सब, बट ये सुप्रीम कोर्ट का काम है क्या पॉल्यूशन को रोकना, दिस इज द ड्यूटी, दिस इज द स्फीयर ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो इस पे कुछ मेजर्स लेने चाहिए, सरकार का ये काम है, जैसे इवन ऑड स्कीम जो दिल्ली की आप गवर्नमेंट चलाती है, तो ये सरकार का काम है, ये जुडिशरी का काम नहीं है। तो आप लाइन को ब्लर कर रहे हो, जो सेपरेट करती है चीज़ें उसको आप ब्लर कर रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव के डोमेन में चले जाते हो कभी कभी, एंड दैट इज़ अ कंसर्न। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसका कंक्लूजन यही होगा कि जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बट देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल ओवररीच, एंड वो लाइन को जो है ब्रीच नहीं करना चाहिए जुडिशियरी को, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे, अगला लास्ट आपका जो क्वेश्चन है आज के लेक्चर के लिए
वो है कि बिहार हैज विटनेस्ड इम्प्रूवमेंट इन इट्स पोलिटिकल कल्चर इन द लास्ट डेकेड्स. गिव एग्जाम्पल्स. अब इसमें अगर आप देखोगे तो पोलिटिकल कल्चर इज द की वर्ड, आपको समझ में आ रहा है. और फिर ये बोल रहा है कि इम्प्रूव हुआ है, तो एक बॉडी पार्ट यहाँ से आ जाएगा कि कैसे इम्प्रूव हुआ है, और हम क्या बोलेंगे, दूसरा बॉडी पार्ट इसका मिरर इमेज बनाएंगे कि इम्प्रूव नहीं, कुछ कंसर्न्स अभी भी हैं. लेकिन ठीक है, अभी के पोलिटिकल कल्चर में कुछ कंसर्न्स है, तो हो गया हमारा एंसर फ्रेमवर्क अगर बनाएंगे तो एक इंट्रोडक्शन दे देंगे पोलिटिकल कल्चर के रिगार्डिंग, एक इम्प्रूवमेंट इन पोलिटिकल कल्चर कैसे हुआ है वो करेंगे, कंसर्न्स अभी जो करंट पोलिटिकल कल्चर के कुछ कंसर्न्स है उसको देखेंगे, एंड कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन की बात करें तो चलो अब लिखते हैं इंट्रोडक्शन में. दोस्त आप ऐसा समझो कि पॉलिटिकल कल्चर को हमें डिफाइन करना है. नाउ कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके हिसाब से, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर यार हम शायद नहीं डेफिनेशन रटे होंगे उसका, पहली बार देख रहे होंगे एग्जाम में, तो हमें थोड़ा सा कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगानी चाहिए. देखो यही है ना टर्म पॉलिटिकल कल्चर. आप ना जब भी मैं थोड़ा सा ना आप दिमाग लगा करो, ये पॉलिटिकल को हटाओ, यहाँ पे मान लो अगर हिंदू कल्चर होता, यहाँ पे मान लो मुस्लिम कल्चर होता, यहाँ पे मान लो इंडियन कल्चर होता, तो आप क्या लिखते. जैसे मान लो इंडियन कल्चर अगर हम बात करें, तो इंडियन कल्चर में आप क्या लिखोगे कि वो सारे बिलीफ सिस्टम, वो सारे वैल्यूज, वो सारे बिलीव्स, वो सारे वैल्यूज, वो सारे एटीट्यूड्स जो हम इंडिया में इंडियंस लोग रखते हैं, वही तो होगा इंडियन कल्चर, राइट? द बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स हेल्ड बाय द पीपल इन इंडिया फॉर्म इंडियन कल्चर. तो पॉलिटिकल कल्चर क्या होगा, वो एटीट्यूड, बिलीव्स, सेंटीमेंट, वैल्यूज जो कि हमारे पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो पॉलिटिकल स्फीयर में जो हमारे वैल्यूज हैं, जो हमारे सेंटीमेंट्स हैं, तो वो हमारा पॉलिटिकल कल्चर हो जाएगा. तो पॉलिटिकल कल्चर को हम डिफाइन कर देंगे, पॉलिटिकल कल्चर इज द एटीट्यूड्स, बिलीव्स, सेंटीमेंट्स, वैल्यूज हेल्ड बाय द सोसाइटी, है ना, जो कि सोसाइटी के द्वारा होल्ड किया जाता है, एंड विच इन्फ्लुएंसेस द प्रैक्टिसेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. मतलब थोड़ा सा सेंटेंस का बनाने का तो आपको आना चाहिए, ठीक है, कि कैसे हम सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. पॉलिटिकल कल्चर इज द एटीट्यूड्स, बिलीव्स, सेंटीमेंट्स, वैल्यूज हेल्ड बाय द सोसाइटी एंड विच इन्फ्लुएंसेस द प्रैक्टिसेस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है. जो बिलीव्स, जो वैल्यूज हम सोसाइटी एज अ सोसाइटी होल्ड करते हैं एंड जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, वही पॉलिटिकल कल्चर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है. जैसे मान लो एग्जाम्पल हम देते हैं ये कि भाई अगर हम मान लो ऐसा समझते हैं कि जो आदमी शादीशुदा नहीं है वो ज़्यादा अच्छा, जो शादीशुदा नहीं है वो ज़्यादा अच्छा लीडर बनता है, ऐसा हम मानते हैं, तो ये एक हमारा बिलीफ है एंड दैट इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि हम वोट उसको देंगे जो शायद शादी नहीं करता है, ठीक है. या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि भाई जो हमारे कास्ट का लोग है, जो हमारे रिलीजन का लोग है, वो हमारा अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, वो हमको अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये हमारा बिलीफ है. और उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे, हम वोट करेंगे अपने कास्ट के बेसिस पे, अपने रिलीजन के बेसिस पे, राइट. तो इस तरीके से चीज़ें होती है, दैट इज पॉलिटिकल कल्चर, समझ में आया. तो इम्प्रूवमेंट इन पॉलिटिकल कल्चर, ये बिहार की बात कर रहा है, तो हम कुछ पिछले कुछ डेकेड्स में ये बोल रहा है, तो कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं. जैसे मान लो कि जो हमारा पहले आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स होती थी, भाई कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, अभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो खत्म हो गया आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, अभी भी लोग जात पात के नाम पे वोट दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में वो डेवलपमेंटल इश्यूज, गवर्नेंस के इश्यूज को भी मांग कर रहे हैं. जैसे अभी नौकरी की भी मांग हो रही है ना, अब ये नौकरी लेके आ रहे हैं, मतलब दिस हैज़ बिकम अ इलेक्टोरल इश्यू कि भाई नौकरी आप दे रहे हो कि नहीं. इसीलिए देखो ना टीचर का कितना बहाली अभी आया,
बिकॉज बस जात पात और धर्म उन से अब काम नहीं चलेगी, आइडेंटिटी तो चाहिए। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो चल ही रही है, आइडेंटिटी के बेसिस पे लोग वोट देंगे, बट उसी से संतुष्ट नहीं रहेंगे, उनको पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट भी चाहिए कि भाई आप विकास में क्या काम कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आइडेंटिटी प्लस पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या हो गया है अब, आइडेंटिटी प्लस पॉलिटिक्स, ये योगेंद्र यादव ने ऐसा फॉर्मूलेशन दिया हुआ है एंड ये आपको मैंने बताया हुआ है। तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि यार अब डेवलपमेंट की बात होती है तो अच्छी चीज़ है ना। वो आप देखोगे कि पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन बढ़ी है, ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर का ही तो ये है कि वीमेन का एटीट्यूड चेंज हो रहा है, उनको लग रहा है कि पॉलिटिक्स जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसके थ्रू वो अपने इश्यूज को वॉइस आउट कर सकते हैं, कि उनका स्टेक है यहाँ पे। पहले थोड़ा सा मतलब छोड़ो यार क्या वोट करने जाए, अब वोट कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको पता हो कि 2020 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें वीमेन का जो वोटिंग परसेंटेज था दैट वाज ग्रेटर देन मेन का वोटिंग परसेंटेज, 59% कुछ वीमेन ने वोट किया था एंड 54% मेन इलेक्टोरेट ने बस। तो दैट शोज कि वीमेन को लग रहा है कि भाई पॉलिटिकल एरेना में उनको जमखम के पार्टिसिपेट करना है। तीसरा अगर आप देखोगे तो तीसरा इसमें है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडर्स बढ़ी है, कैसे, सोशल मीडिया के थ्रू। अभी कोई आप जाके टैग कर देते हो तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को, तो अकाउंटेबिलिटी तो बढ़ी है लीडर्स की, क्योंकि आपका जो है सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर हो जाती है, आप थोड़ा एक्सेसिबल ज़्यादा हो गए हो। तो ये चीज़ें हुई है, ये भी पॉलिटिकल कल्चर में इम्प्रूवमेंट का ही ये एस्पेक्ट है। जो जेंडर इश्यूज हैं दोस्त, वो भी अब मेन स्ट्रीम हो रहे हैं, जेंडर इश्यूज अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल ऐसे इश्यूज बन रहे हैं, क्योंकि अब वीमेन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप होके उभर रही है, तो इसीलिए उनके जो इश्यूज हैं जेंडर इश्यूज, तो वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल इश्यू बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सुशासन बाबू ने, मतलब सुशासन नहीं बोलो शासन बोलो, क्योंकि पता नहीं सुशासन का तो नहीं पता लेकिन शासन करने में इनको खूब मजा आता है। तो शासन बाबू नीतीश कुमार ने प्रोहिबिशन लगाया है ना, प्रोहिबिशन लगाया, और प्रोहिबिशन मतलब दारूबंदी। इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, वीमेन को हुआ, और उन लोग वो लोग सबसे ज्यादा खुश भी हुए, क्योंकि ये मतलब नहीं तो मर्दवा सब आता था दारू रूपी के, वायलेंस वायलेंस करता था, यही सब पूरा पैसा भी खर्च कर देता था दारू पीने में। तो वीमेन बहुत ज़्यादा खुश थी ये दारूबंदी का जो डिसीजन नीतीश कुमार ने लिया। और तो समझ रहे हो कि मतलब वो एक वो बहुत ही बड़ा इलेक्शन का मुद्दा था, और जेंडर इश्यूज इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल इश्यूज हो गए हैं, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर आप देखोगे रिजर्वेशन की भी जो बात, अगर आप देखो वीमेन को 50% रिजर्वेशन दिया गया है लोकल बॉडीज में, राइट तो ये भी तो अच्छा है। उसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ा सा इसी में जोड़ दो यार कहीं पे, पांचवा पॉइंट कि अभी मार्जिनलाइज्ड को ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, जो हमारे सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, उसको हम ज़्यादा अटेंशन, मतलब जो हमारे पॉलिटिकल क्लास है वो ज़्यादा अटेंशन दे रही है। जैसे मान लो कि अभी जो है कास्ट सर्वे आया, और कास्ट सर्वे के बाद में वो रिजर्वेशन दिया गया, रिजर्वेशन हम लोग बेसिकली बढ़ा दिए हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, OBC, SC, ST ये सब के लिए, ठीक है। तो 60% से 75% हो गया है। अब देखो यार इसमें क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और वो कंसर्न्स में हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये सब क्या है, ये सब पॉलिटिकल एक वेपन है कास्ट सर्वे और ये सब, ठीक है, थोड़ा वो भी एक एलिमेंट है ना। तो लेकिन यहाँ पे इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी इसका लिख सकते हैं कि ज़्यादा जो मार्जिनलाइज है लोग हैं उनका भी आप बेसिकली ध्यान दे रहे हो कि कितने लोग हैं, मतलब आप काउंट कर रहे हो, उसके हिसाब से बोल रहे हो कि हम उनको प्रोपोर्शनेटली नौकरी में ये सारी चीज़ों में रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये इम्प्रूवमेंट हो गया। अब कंसर्न्स क्या है, कंसर्न्स बहुत सारे हैं। अगेन अगर आप देखोगे तो कास्ट एंड रिलीजन, पहला चीज़ तो यही है कि कास्ट एंड रिलीजन अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अभी भी देखो कास्ट अरिथमेटिक तो जाने वाली है नहीं, आपको क्या लग रहा है जो ये प्रशांत किशोर का जन सुराज है, घंटा नहीं इसको वोट आएगा, हम आपको लिख के दे रहे हैं। बिहार में अरविंद केजरीवाल वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे कास्ट एंड रिलीजन इतना ज़्यादा इंट्रेंच्ड है, कास्ट पॉलिटिक्स ही नहीं जाने वाली है इतना जल्दी। कास्ट एंड रिलीजन अभी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है भाई दोस्त, हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है
उसमें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, डायनेस्टी लोग हैं। आरजेडी में कौन है? तेजस्वी, लालू के बाद तेजस्वी है। लोजपा में कौन है? पहले रामविलास पासवान, अब चिराग पासवान आया है ना, उस ऐसे ही चल रहा है ना, ऐसे ही चल रहा है। तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है। अब नीतीश कुमार डायनेस्टी नहीं किए, बट ठीक है, अभी देखें आगे जेडीयू का क्या होता है। तीसरा, अगर आप देखोगे तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ये लोग करते हैं, टू मच पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन गवर्नेंस बहुत कम करते हैं। पॉलिटिक्स टू मच और गवर्नेंस क्या है? टू लेस। तो ये भी तो एक कंसर्न है। खाली बस मतलब यही बात होती है कि कौन किधर किस गठबंधन में कैसे क्या हो रहा है, किसको सीट मिल रही, किसको टिकट मिल रहा है। अरे भैया, पुलिया आपका दो दो बार तीन तीन बार ढह जा रहा है, उसका कौन बात करेगा? लॉ एंड ऑर्डर की कौन बात करेगा? तो ये सब चीज़ें हैं ना ज़रूरी। उसके बाद अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है। अगर बिहार में आप देखो दोस्त, तो बहुत ही क्रिमिनल एलिमेंट हैं, अलग अलग मतलब अलग लेवल के क्रिमिनल एलिमेंट है। हम नहीं बोल रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की अगर आप बात करो, ADR, एक आपका NGO टाइप है जो कि पॉलिटिकल रिफॉर्म के इसमें बात करता है, मतलब वो स्टडी एंड ये सब करता है, थिंक टैंक टाइप का है। तो ये बोलता है कि 2015 में यहाँ पे देखो ये परसेंटेज है आपका क्रिमिनल केसेस का, और यहाँ पे आपका ईयर है, ये है आपका 2015 का इलेक्शन, और ये है आपका 2020 का इलेक्शन स्टेट असेंबली। ये बोलता है कि 58% जो हमारे MLA थे 2015 में जो चुनाव में आए, उनके ऊपर में क्रिमिनल केसेस था, 58% हमारे बिहार के MLAs के पास, और वो बढ़ के अभी 2020 में 68% हो गया है। तो सोचो ना, मतलब जो हमारे MLAs हैं, 100 में से 68 लोग तो क्रिमिनल चकुमार लोग हैं। तो क्या होगा? ये पॉलिटिकल कल्चर अच्छा नहीं है ना फिर, क्योंकि लोग अभी भी वोट कर रहे हैं क्रिमिनल एलिमेंट्स को, तो दैट इज़ नॉट अ गुड पॉलिटिकल कल्चर ना। तो ये कुछ कंसर्न्स है। कंक्लूजन क्या लिखोगे कि पॉलिटिकल कल्चर की को जो है हमें रिफॉर्म करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल कल्चर जो है, जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है गुड गवर्नेंस के लिए, और इसका रिफॉर्म हमें करना जरूरी है टू अचीव गुड गवर्नेंस एंड इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन फ्री, ये सब सारी चीज़ें लिख दो। ठीक है, तो हो गया, यही है। आई होप कि आप लोग को थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे हमें आंसर लिखना है, कैसे हमें कीवर्ड्स निकालना है। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा दोस्त तो प्लीज़ कमेंट करना, तो ही हम आगे में लेके आएंगे, बिकॉज़ ये हम लोगों ने नया कुछ शुरू किया है। एंड अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा तो हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर अच्छा लगा होगा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मतलब और भी डिस्कस किया जाए, तो प्लीज़ कमेंट सो दैट वी नो कि या यू डू वॉन्ट दिस, एंड देन वील कंटिन्यू। ओके, चलो फिर देखते हैं, अगर आपको आप लोग के रिस्पॉन्स के हिसाब से, या तो आगे में फिर मिलेंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय। चलो दोस्त।